अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड से सवेरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया अली। हमेशा की तरह नहीं कहूंगी, वो इस वजह से कि आज कुछ डिफरेंट करने का मूड है, आपका संडे अच्छा बनाने का मूड है। कल बात की हमने हेल्थ पे भी और बहुत सारी चीज़ों पे, उसके साथ ब्यूटी पे भी बात की, लेकिन मौसम सरमा के आगाज़ में सिर्फ ये तो नहीं ना कि हम हेल्थ पे या ब्यूटी पर बात करेंगे। कल जिस तरह आप देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्लू भी था मुझे, अभी भी है, इतना सही नहीं हुई हूँ, लेकिन आप सबसे जब कहा था, आप सबने कुछ दुआएँ की तो कुछ बेहतर हूँ। आज हम बात करेंगे फैशन इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, किस तरीके से अगर हम मौसम सरमा की बात करते हैं, विंटर्स आ रही हैं, तो प्रिंट्स में, कलर्स में किस तरह की चीज़ें हैं जो अब हम वेयर कर सकते हैं, कौन सी चेंजेस हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब बढ़ूँ। मेरे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं, तलाल फरहत साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, उन्हें वेलकम करूँगी। उनके साथ ही अगर मैं तारुफ करवाना चाहूँगी कि फ़ोटोग्राफी में ज़रा मेल्स का रुझान बहुत ज़्यादा होता है और फीमेल्स को कहा जाता है कि वो कैमरा लेकर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। आयशा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें वेलकम करूँगी अपने शो में। और उनके साथ ही हमारे साथ जो दो डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, अर्शी और अशरफ साहब, एवोल्यूशन टेक्सटाइल से मौजूद हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे कि डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो स्टिच करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से प्रिंटिंग, फैब्रिक और उसके बाद स्टिच पे बात होती है। वेलकम आप दोनों को अपने शो में करूंगी। और आज हम बहुत मज़ेदार बातें करेंगे और मैं हमेशा की तरह चाहूंगी, जो घर में बहुत सारे लोग, जो वैसे तो फैशन करना सभी खवातीन चाहती हैं, लेकिन जो घर में टीवी, सिर्फ टीवी देख रही होती हैं, घर के काम कर रही होती हैं, वो ऐसी एडवाइजेस चाहती हैं कि उन्हें सर्चिंग ज़्यादा ना करनी पड़े और हर चीज़ उन्हें मीडिया के थ्रू ही, टीवी से मिल जाए, उसके बाद वो इजीली लेकर और वो वेयर कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि, और लोगों को भी बताना चाहूँगी कि हम मूवी की तरफ भी आएंगे, लेकिन इनिशियली अगर मैं आगाज़ की बात करूँ आपके करियर की, तो वो एज ए राइटर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किया और कहाँ से किया? अच्छा, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, ऐसा है कि मैं बचपन से, मतलब ख्वाहिश थी कि हम टेलीविज़न की फील्ड में आएँ। अगर देखा जाए तो 1978 के बाद थोड़ा सा मैंने होश संभाला, टीवी अपने घर में देखा। उस जमाने बल्गारिया के टीवी आते थे एक्चुअली। उसके बाद जब हम कराची शिफ्ट हुए तो पीटीवी कराची सेंटर का मेरे जानने वाले थे, उनके पास मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या है। तो मेरा आगाज़ जो हुआ पीटीवी से हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन। शौक़ बड़ा, करते रहे, काम करते रहे, सीखते रहे। वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, क्योंकि आपका सीखने का मरहला जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के साथ माशाल्लाह काम किया, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न ही वो वाहिद इदारा है जहाँ पे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और आप देखें जितने भी चैनल्स माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी बैक पे कौन है? पायनियर्स में नाम आते हैं ना, हम एक तरह से एकेडमी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स तो उसके बाद आए। और अगर मॉर्निंग शोज़ की भी हम बात करें तो आगाज़ ये हर चीज़ वहीं से हुई है, पाकिस्तान टेलीविज़न से हुई। तो इस तरह से आप समझा जाए कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो मेरी एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती है और रखेगी, और अभी भी मैं, हालांकि उससे अटैच नहीं हूँ, एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर मैंने काम किया था आउटसोर्स। कुछ डिफरेंसेस कुछ बताना चाहेंगे कि क्या अभी कहा जाता है कि वो पहले पूरी रिहर्सल्स होती थी, अभी भी होता है पीटीवी पर, तो लेकिन वो सारी चीज़ें, लेकिन हम नहीं डिटेल में वो, इस वजह से कि थोड़ा डिफरेंस अभी करंटली आप कुछ बताना चाहेंगे। देखिए वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपने भी माशाल्लाह जब आँख खोली होगी तो टेलीविजन के ड्रामे देखे होंगे यकीनन। उठा के तारीख देखें, अफशा हो गया आपका, अनकही है, ताबीर है, या इस तरह से वारिस, मतलब चार सेंटर बेशुमार है ना, उनकी कहानी आज भी दोहराई जाती है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इंडिया से अगर देखा जाए तो इंडिया में सोप का रिवाज जो पड़ा है ना, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वो पाकिस्तान से पड़ा है। मुझे याद पड़ता है हमारे पीटीवी के ही सीनियर प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह गजम्फर अली साहब जी, उन्होंने एक सोप की बुनियाद डाली थी। अगर व्यूअर्स बैक में जाएं 20 साल पुराने, तो उसमें एक नस्ल नाम का एक सोप चला था। अच्छा। उनका नजमुज़्ज़मा आई थिंक सो नाम था, उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। उन्होंने वो स्टार्ट किया था, उस चीज़ को फॉलो किसने किया? इंडिया ने। इंडिया हमारे ड्रामों से कॉपी करता है जी।
ये तो सब जानते हैं वो, इसलिए कि उनके यहाँ तो वैसे भी इंस्टीट्यूट जो होते हैं अगर एक्टिंग के, तो उसमें भी हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो दिखाए जाते हैं एक्टिंग के लिए। आप देखिए पूना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किसके प्ले दिखाए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किनारे, अनकहीं, तन्हाइयां, वो वहाँ से कहते देखते हैं और सीखते हैं कि हाँ देखिए यहाँ से ये कैरेक्टर निकल रहा है। माजी में आकर उठा के जितनी मिसालें आज तक देखे ना, क्यों दो तीन दिन अखबार में आया था कि जी किसी बड़े फनकार ने, मेरे ख्याल से शायद नसीर साहब ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान टेलीविजन के जो ड्रामे हैं ना वो एक दर्जा रखते हैं। बिल्कुल, नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा और उसके बाद अभी रिसेंटली पाकिस्तान में वो काम करके भी जा चुके हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारे आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अब इंडस्ट्री माशाल्लाह, चाहे वो टेलीविजन की हो, चाहे आपकी मीडिया आप उसमें ले लें, फिल्म इंडस्ट्री में हो, लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नया खून आ रहा है सामने। अच्छा, इस नए खून को हम, आप और दूसरे नहीं लाएंगे तो कोई बाहर से तो नहीं आएगा? बिल्कुल, नए खून की बात हो रही है तो क्यों ना आयशा की तरफ सवाल आना चाहिए। आयशा, क्या कहेंगी फैशन का रुझान के आप, क्या कुछ था आपके जहन में कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ सोचती हैं, आपने कैमरा उठाना पसंद किया, कुछ खास इंस्पिरेशन थी? देखिए इस फील्ड में लड़कियाँ बहुत कम आती हैं, मुझे बहुत शौक़ था और मैं चाहती थी कुछ डिफरेंट कुछ करूँ, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई। अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है, बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फुल स्टडीज़ दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल, और इसके अंदर अब लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, और लड़के तो ये काम करते हैं, लड़कियों के लिए अलग है, तो इसलिए सब देखते हैं। यार लड़की है और वो कैमरा यूज़ कर रही है तो वो बात ही अलग आती है। लेकिन वैसे कुछ डिफरेंसेस बताएंगी, क्योंकि वेडिंग भी कवर करती हैं आप और फैशन सेट भी के रैम्स पे, कि क्या प्रॉब्लम ज़्यादा किस में होती है कि एक कैटवॉक हो रही है उसमें क्लिक्स, मैं समझ सकती हूँ चीज़ की, एक होता है ना प्रॉपर कि आपने, क्योंकि वो इसलिए कि वो उस वक्त शूट तो स्टिल तो करवा नहीं रही होती हैं। एक्चुअली आप अगर रैम कवर कर रहे होते हैं या आप वेडिंग कर रहे होते हैं तो कैमरा गेम ही लाइट का है, लाइट अच्छी है तो वहाँ काम बहुत अच्छा होगा, और रैम के स्टैंडर्ड तक जाती हैं जो मॉडल्स, उनकी कैटवॉक भी अच्छी होती है और वो काम एक अलग ही स्टैंडर्ड का होता है कि आप उसको कैप्चर कर रहे होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। वेडिंग में, वेडिंग और फैशन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो इसलिए कि वेडिंग में आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती होगी कि अगर ब्राइडल्स हैं और मॉडल्स के आप शूट वैसे भी कर चुकी हैं तो एक्सप्रेशंस हैं, पोजिंग है, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है, क्योंकि ब्राइड एक तो नर्वस भी होती है और वो पोजिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोफेशनल मॉडल थोड़ी होती है, तो उस पर टाइम लगता है। दोनों चीज़ों का अलग मज़ा है। फैशन में एक आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लोग मिलते हैं और ठक ठक काम हो जाता है, वेडिंग में वही काम आपको 3-4 घंटे में होता है। बिल्कुल, अशोक साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे आपके शूट्स भी सब देखे हैं, फैशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी आपकी, अगर हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल में कि किस तरह के प्रिंट्स हैं, कि ज़्यादा आप क्या प्रीफर करते हैं कि किस तरह के आपके प्रिंट्स हैं जिसको आप आउटडोर या इनडोर शूट करवाएंगे, कुछ प्लानिंग होती है ऐसी कट्स के हिसाब से? जितनी प्लानिंग आप कैजुअल के लिए करते हैं ना, कैजुअल ज़्यादातर आपको आउटफिट आउटडोर ज़्यादा बेहतर लगता है, आउटडोर ज़्यादा अच्छा चलता है। फॉर्मल के लिए अगर आप आते हैं तो फॉर्मल में एक आपको डिसेंट लुक देना होता है जी, तो उसको आपको इंडोर में आपकी जो शूट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो हम ज़्यादातर आप, मैं इसी बात में शामिल करना चाहूँगी कि कितना आपका इसमें पार्टिसिपेंट होता है या शूट्स की जब बात आती है तो उसमें डील अशरफ साहब भी कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये बात सही है कि डील तो ये कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें, हमारा फोकस एक्चुअली प्रिंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ओके, जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके, कि हमारे कैजुअल के हिसाब से हमें क्या प्रिंट को वो करना है और हमारा वेयरिंग जो हमारा फॉर्मल ड्रेसेस हैं हमें किस तरह से उसके ऊपर उसका लुक कैसा होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी उस पर किस तरह फोकस होना चाहिए, और फिर सीजनल जो है हम वो ये बात कह सकते हैं। बिल्कुल, कि मैंने स्टार्ट में भी जब मौसम सरमा की विंटर्स की बात की तो उसमें आप कौन से कलर्स को कहना चाहेंगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे? कुछ कलर्स हैं, वी कैन से अबाउट द कलर्स, बिकॉज कलर्स वेरिएशन जो है डिपेंड्स ऑन द सीजंस, यू कैन से, क्योंकि कलर्स का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है सीजन वाइज, क्योंकि अगर हम बात करते हैं विंटर की तो डार्क कलर्स ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होते हैं इस सीज़न में, अगर हम समर की बात करते हैं तो थोड़ा लाइट कलर्स को ज़्यादा फोकस होता है उनके ऊपर। ओके, तो ये सब जो है हमारा वेरिएशन जो है हमारा डिफरेंट चेंज होता रहता है सीजनल, आप कह सकते हैं। लेकिन कलर्स की आप मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रहे हैं? बेसिकली जो कलर की ट्रेंड्स हैं ये आपको फोकस होनी पड़ती है कि कौन सा कलर 2015 के अंदर विंटर में आएगा और कौन सा कलर आपका 2015 के अंदर समर में आएगा,
तो पहले से फोरकास्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी फोरकास्ट हो रही होती है, उस फोरकास्ट को आपने देखना होता है कि जी कौन सी फोरकास्ट इस वक्त आपकी मार्केट के अंदर इन हो रही है। शार्प कलर्स हैं, लेकिन शार्प कलर में सारे शार्प कलर्स नहीं आते, बिल्कुल उसके अंदर डिपेंड करता है कि जी इस मरतबा जो है वो शॉकिंग पिंक ने ज़्यादा चलना है या येलो कलर ने ज़्यादा इन होना है समर के अंदर, विंटर के अंदर आपका जो है डल रेड जा रहा है या फिरोजी जा रहा है। इस तरीके से हर कलर की अपनी एक थीम है, उसके साथ कॉम्बिनेशन को सेट करना कि ये कॉम्बिनेशन इस कलर के साथ ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, बिल्कुल। तो वो हर चीज़ को आप एक डिज़ाइन करते हो, आप अपने पहले सबसे पहले तो आपकी क्रिएशन होती है, थीम क्रिएटिविटी हमारा ज़्यादा फोकस होता है, थीम पे डिपेंड करता है, थीम के अकॉर्डिंग फिर हम कलर्स का जो भी चॉइस होती है उस हिसाब से हम उसकी प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों के फेवरेट कलर्स की तरफ कलर्स की बात हो रही है तो उसमें चॉइसेस की बात करूँ तो किसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बेसिकली देखें, ये मेरे अपने जो है ना, मेरा अपना आइडिया नहीं, ये हमें जो आइडिया लेना पड़ता है ना वो आइडिया देना मार्केट से। हम अपने आइडिया को लेंगे तो मार्केट के अंदर वो चीज़ें हिट नहीं करेंगी, वो आइडिया मार्केट के लिए लेकर आना है कि जो लोगों को सबको पसंद आए। ठीक है, एक डिज़ाइनर है, एक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को थीम ज़रूर करती है, लेकिन उसको ये ज़रूर मद्देनजर रखना पड़ता है कि वो चीज़ें इन मार्केट में हो, अवेयरनेस लोगों में किस तरह की। बिल्कुल, अच्छा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब कलर्स की ही बात हो रही है तो आपकी जानिब आना चाहूँगी और जिस तरीके से हमने बात की कि ड्रामों में भी फिल्मों में वही चीज़ है ना कि अगर आयशा भी बैठी हुई है तो वो वही बात आ गई है फोटोग्राफी की, कलर्स की बात हो रही है तो डायरेक्टर के लिए भी कहा जाता है ना, अगर मैं चॉइसेस की बात करूं कि एक वो कलर होता है कि बस वो उसने वो रखना है, और हमारे यहाँ तो कॉमेडी में भी नाम दिया गया है ना कि वो डार्क डार्क कह दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा, तो क्या चॉइस करते हैं? देखिए मोस्टली जो हम मैं ये कहता हूँ कि हम टीवी जब देख रहे होते हैं तो हमें छोटा 24 इंच या ज़्यादातर 52 इंच के स्क्रीन पर हम अपने टीवी ड्रामे देख रहे होते हैं, लेकिन जब जहाँ हम फिल्म की बात करते हैं अपने ही फेस को आप देखें उस दीवार पर जो आपके घर की दीवार है जो तकरीबन 20 फीट लंबी है, उस 20 फीट पे अपने चेहरे को आप फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा उसके पीछे डेप्थ क्या है, आपके कलर्स कॉम्बिनेशन क्या है। अब मैं ब्लैक के ऊपर मैं खड़ा हूँ और मैंने ब्लैक कपड़े ही पहने हुए हैं तो जाहिर सी बात है मैं मेरा चेहरा अगर लाइट मुझे कहीं से सोर्स मिल रही है तो मेरा चेहरा क्या लगेगा, पूरा ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक, जाहिर सी बात है उसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कलर्स चॉइस लेनी पड़ती है। दूसरी बात, कहते हैं कि कैमरे का बड़ा दखल होता है, ऑब्वियसली होता है कैमरे का दखल, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो आईफोन से बनाई गई हैं और वो अवार्ड का हिस्सा बनी, क्यों बनी? कॉन्सेप्ट प्लस लाइटिंग और क्रिएटिव होना है ना, कि आपको खुद मालूम होना चाहिए डायरेक्टर क्या है, किस तरह से जो मैं बात कर रही हूँ डार्क कॉमेडी है किसी चीज़ की, तो मैं चॉइस पे भी इसी तरीके से बात करना चाह रही थी कि एक होता है ना डायरेक्टर का कि वो सोचते हैं कि नहीं मुझे, एक होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट में काम करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं कट लाइट्स की तरफ जाते हैं कि उसमें बहुत अच्छा बेहतरीन होता है। अगर मैं करियर के हवाले से बात करूँ, जो आपने बताया एसोसिएट आप बता रहे हैं कि आप रह चुके हैं, तो उसमें क्या कोई रगड़ा लगता है या क्या, और आजकल जो आ रहे हैं उनमें डिफरेंस बताएंगे कुछ? देखिए एक तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो फिल्म मीडियम इतना अच्छा है और पढ़े लिखे लोग आपके सामने आ रहे हैं जी। आप ज़ेबा बख्तियार की फिल्म देख लें आप, ठीक है, आप दुख्तर फिल्म देख लें, ठीक है, आप ऑपरेशन 21 के साथ क्या नाम है नामालूम अफराद आइए, आपके सामने ये दो सालों में रिवाइवल है ना फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तानी, और वो भी पॉजिटिवली। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं एक साल बैक में लेके जाता हूँ, हमने पाकिस्तान की पहली साइको थ्रिलर फीचर फिल्म हॉलीवुड डायरेक्टर की जेर निगरानी बनाई, ठीक है, उसका नाम होटल है, ये लॉलीवुड की पहली बॉलीवुड फिल्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में शूट की है। अच्छा, लोकेशंस कंप्लीट यहीं की, कंप्लीट कराची पाकिस्तान की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो हमारी फेस्टिवल में इंशाल्लाह ताला अगले महीने इंडिया से आएगी, आप लोगों को सबको मतला करेंगे। तो बात यह है कि सिर्फ आपका कहानी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आपके कलर्स क्या हैं, आपकी लोकेशंस क्या हैं, आप जब उसका ट्रेलर आप देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसी कैमरे पे दूसरी फिल्में भी बनी जिनका मैंने नाम लिया और उसी कैमरे पे हमने होटल भी बनाई, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आ रही है आपकी बात कि कहानी और कलर्स की, कहाँ से आएंगे कलर्स? कलर्स हमें वहीं से जनरेट करें। अब मैं मिसाल के तौर पर इस स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर मैं वो लाइट एक बंद कर दूँ और मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही और कट लाइट आ रही है तो मेरा चेहरा क्या लगेगा? आपकी सोर्स क्या है? बिल्कुल सिंपल इज दैट। लेकिन फिर वो मेरा सवाल तो कहीं गुम हो गया ना इन सारे जवाब में कि रगड़ा लगा था या नहीं ये बता दें, और आजकल बिल्कुल आपने बता। अब मैं हकीकत बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने जिंदगी में पहली बार फिल्म की,
उसका क्रेडिट मैं डायरेक्टर ही को दूंगा कि उसने मुझे चूज़ किया। तकरीबन 24 घंटे में मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, और ये बात सारे आर्टिस्टों को मेरे पता है, जितने भी माशाल्लाह क्रू था वो जानते थे, कहते भाई मेरा नाम जिन रख दिया था उन्होंने। अच्छा, कि यार भाई ये सोता क्यों नहीं है। मैं नहीं, जिम्मेदारी नहीं रखा था, नहीं हो नहीं सकता नहीं। वो रख ही नहीं सकते। अच्छा, इसलिए कि उनको मेरे साथ काम करना था, उनको मेरे साथ काम करना था ना, वरना अच्छा। तो कट, क्योंकि सारी अल्लाह का शुक्र है सुपरविजन मेरे ही पास थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कास्ट के लोग जितने भी हमारे वो थे, क्यों था, अल्हम्दुलिल्लाह साथ काम किया, और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि उसको हम पाए तकमील तक ले जा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम कहीं लेट डाउन हो, और आपको देख लें, आप अखबार देख लें, हमारे सोशल मीडिया देख लें, यहाँ तक कि BBC तक में हमारी रिपोर्ट चली, हमारी फिल्म फेस्टिवल में गई, और ये बहुत बड़ी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। ऑनर की बात है कि जो लोग कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यहाँ चली गई है, वहाँ चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ये कि अब लोग सोचने लगे हैं वार के बाद भी कि हमें जाना चाहिए। दूसरी एक और मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा बात, रगड़े वाली बात। मुझे कौन सा ऐसा काम है जिसमें रगड़ा नहीं लगता, मुझे बता दीजिए। नहीं, मैंने तो डिफरेंस भी पूछा है ना। देखें गिर कर ही संभलता है, गिर आपको जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना आप नहीं संभल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता चल गया है कि फिल्म कैसे बनती है, फिल्म कैसे रिलीज होती है, और फिल्म को किस तरह से किस मोड में किस अंदाज में लोगों के सामने पेश करना है। right. कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ के एक आराम से माहौल में AC वाले में जाके देख सके। चले, फैमिली की बात हो रही है, आयशा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जब वेडिंग कवर कर रही होती हैं पिक्चर्स, तो उसमें क्या कुछ ऐसा सीन होता है कि वो आजकल तो सेल्फी चल गई है, इरिटेशन होती है कुछ की लड़कियां सारी ग्रुपिंग हो गई है, आपने पिक्चर भी लेनी है, उसके बाद वो सब आपस में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आजकल सेल्फी का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, हर कोई अपनी सेल्फी पे बहुत फोकस कर रहा है। एक्चुअली वेडिंग जब आप कवर कर रहे होते हैं तो हर किसी की फैमिली की यही होती है, अरे हमारी बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए, हम पतले लगे। और अच्छा, ऐसा बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, ये खास है इनके लेना, किसी की इसकी तो बिल्कुल मत लेना, एल्बम में नहीं होनी चाहिए। हाँ यार, इनकी नहीं लो, इनके ही लेना वेस्ट है, डिलीट कर दो, ये बहुत होता है, पर लेना पड़ता है जब आपके पास कैमरा हाथ में होता है, लेना पड़ता है, इसलिए कि आके आपको बोलते हैं यार पिक्चर ले लो, उस वक्त तो ले लेते हैं, फिर बाद में डिलीट का ऑप्शन कैमरे में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लेकिन इससे ये फील नहीं होता कि पहले जब कोई करते थे इस फील्ड में था, तो वो जब होता था रोल सिस्टम है, ये है कि वो फिर वेट कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं होता था, हमारे सीनियर लोगों ने, डिजिटल आने के बाद हमारे सीनियर लोगों ने बहुत मेहनत की है, नदीम खान और इन सबको देखा जाए, ये लोग वाकई हमारे लिए हमारे उस्ताद हैं। ये लोग उस ज़माने में अपने काम करते थे, सलीम काजी, ये लोग कि जब वो रोल का टाइम होता था और वो डेवलप होके दो दिन के बाद आपको पता लगना है कि क्या रिजल्ट निकला, अभी तो हम क्लिक करते हैं यार ये सही नहीं है, दो और ले लें, चलो काम हो गया। अब बहुत आसान हो गया है डिजिटल कैमरे ने, लेकिन वो आसान हो गया, लेकिन मैं वही जो दुखियारे दिल की दास्तान होती है ना हर फील्ड वाले की, वो थोड़ी सी सुनना चाह रही हूँ कि मोबाइल से जो पिक्चर्स का वो जो आजकल बहुत ट्रेंड निकल, हटाना पड़ता है, उससे क्या होता है, यानी ऐसा लगता है कि वो इजी वे सबके लिए हो गया, सोचते हैं कि छोड़ो बजट बचा लो जेब में, नहीं, जिसको शौक होता है वो बहुत अच्छा बजट पे करता है, वो ये नहीं देखता यार, क्योंकि लाइफ में एक दफ़ा ही आपकी शादी होनी होती है, और जो अपना इस अच्छे मूवमेंट को सेव करना चाहता है तो वो दिल खोल के वेडिंग फोटोग्राफी पे पैसे खर्च करता है। अच्छा, पर ये है कि क्लोजिंग हो रही है, आपके साथ पूरा ग्रुप बैठा हुआ है फैमिली का, लेकिन कुछ कजन्स आ गई हैं, वो पिक्चर्स यानी अपनी भी लेना चाह रहे हैं, कुछ को सेंस भी नहीं होता, फ्लैश भी साथ में ऑन है, तो उसमें कुछ इरिटेशन होती है, उसमें कैसा क्या करती क्या है उस वक्त, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, या तो उनको रोकना पड़ता है या खुद रोकना पड़ता है। अच्छा, लेकिन पहले वो ले लें, अगर एक्सपीरियंस पूछे जाए तो आयशा बहुत डिसेंट है और बहुत मुस्कुराती हुई घूम रही होती है ऐसी सिचुएशंस में भी। अच्छा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मैं पूछूंगी, हमने कलर्स की बात की प्रिंटिंग पे, अगर हम कट्स की तरफ आएँ तो कौन से कट्स इस तरह के होते हैं, अगर हम मुस्लिम लुक पर आएँ तो उस पर वेयर किए जाते हैं और अभी इन हैं इस वक्त जो मेन जो कट्स चल रहे हैं वो स्ट्रेट्स में चल रहा है, स्ट्रेट शर्टें आ गई हैं, स्ट्रेट शर्टों के अंदर इस वक्त विंटर के अंदर जितना भी आप देखेंगे उसके अंदर आपको स्ट्रेट शर्टें नजर आएंगी, कोट स्टाइल नजर आएगा ज़्यादातर, और विंटर के अंदर कट्स के ऊपर कम काम होता है, उसकी वजह ये होती है कि इतनी ज़्यादा वेयरिंग होती है तो उसके ऊपर आप स्टाइलिंग के अंदर काम कर लेते हैं, ऊपर से कोट दे दिया, एम्ब्रॉयडरी कर दी, लेकिन फैब्रिक का कुछ डिफरेंस बताएंगे, फैब्रिक के डिफरेंस क्या करते हैं आप? बेसिकली देखिए पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं वो आपको पता है कि कैसी हैं, आनी जानी है, और फिर डिजाइनर वेयर आपने ले लिया, कितने टाइम तक चलाएंगे उसे, इतनी सर्दियां हैं उसके अंदर कि आप उसको नॉर्मल कैमरे के अंदर, खद्दर के अंदर, आप उसको विस्कोस के अंदर, लिनन के अंदर,
मरीना फैब्रिक आया हुआ है चाइना का, तो ये डिफरेंट फैब्रिक्स हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, और वुलन फैब्रिक भी है, वुलन के ऊपर भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ एक कलेक्शन रेडी होती है। जितना बड़ा काम समर का है उसका मेरे ख्याल में 25% भी विंटर का नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अर्शी, आपके जानेब आना चाहूँगी, जो हमारी फीमेल्स हैं मोस्टली आपके क्लाइंट्स आती हैं, तो वो क्या प्रीफर ज़्यादा करती हैं, जैसे ये चाइना की बात कर रहे हैं या लोकल हमारा जो पाकिस्तान का मटेरियल है उसमें क्या प्रीफर करती हैं और किस तरह की डिमांड्स आपसे करती हैं? एक्चुअली अगर प्रिंट्स रिलेटेड बात करें तो वो कुछ थीम्स होती हैं जिन पर हमें वर्किंग करनी होती है, ओके, और डिफरेंट हर कंट्री की डिफरेंट थीम्स होती हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, ओके। तो जिस तरह अगर बाहर की बांग्लादेश से सपोज़ कोई आता है और कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है तो वहाँ के हिसाब से हमको थीम बताते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इन है, तो हमारा फोकस फिर उस थीम पे होता है, एक्चुअली उस प्रिंट पे होता है हमारा। तो हम इस तरह के क्रिएशन करते हैं कि हाउ टू क्रिएट द डिज़ाइंस, हाउ टू क्रिएट द मोटिव्स अकॉर्डिंग टू द। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है ना डिज़ाइनर्स के साथ, तो कि आप तो उन्हें कन्वेंस करना चाह रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं कि ठीक है आपकी इस तरह का है बॉडी स्ट्रक्चर और हमें किस तरह के वेयर करने चाहिए ड्रेसेस, लेकिन वो उस पर अपनी चॉइसेस उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर किस तरह कोई इस तरह का सॉल्यूशन है इजी जो आप कन्वेंस कर लेते हैं? एक्चुअली बिल्कुल कन्वेंस कर लेते हैं, एक्चुअली हम पूरा एक बनाते हैं प्रिंट, पूरा तमाम चीज़ें हम उसको ड्रॉ करके उसका पूरा प्रिंट्स वगैरह निकाल के प्रिंट आउट निकाल के उनको ये इस बात को उनको डिफ़ाइन करते हैं कि वहाँ के हिसाब से ये चीज़ सूट करती है, कलर्स पे हम डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें उनके सामने होती हैं, फिर वो उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे ये चीज़ इन है, कुछ उनकी हम सोच को ऐड करते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है ना, हम पहले डिस्कशंस करते हैं कि उनको क्या हमें समझाना है और उनकी जब आपके माइंड के अंदर एक चीज़ चल रही है जब तक उसका कंपैरिजन नहीं आएगा ना, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि जी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी बनाना, दोनों की क्रिएशन को सामने रखना, उन दोनों चीज़ को जब आप सामने रखते हो तो आपको दोनों के डिफरेंस पता चल जाते हैं कि जी ये नहीं ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप ये नहीं करें ये करें। तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, हमारा अपना डिज़ाइन हाउस है, अपना स्टूडियो है, हम पहले डिज़ाइन की क्रिएटिविटी करते हैं ऑन स्क्रीन, पहले लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाने के बाद जो आपके ज़हन में चल रहा है, अगर मैं करना चाहूँगी कि बहुत स्मूथली होता है काम, जी हाँ जी, एक्चुअली हम सैम्पल पे पहले काम करते हैं, पहले हम डिज़ाइन ओके करवाते हैं, ओके, वो डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर हम एक सैम्पल निकलवाते हैं, आर्टिकल पूरा रेडी करके रखते हैं, फिर वो उनके सामने होता है तमाम चीज़ें। आजकल बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हो गई ना कि आपके वो मैनिक्विंस है, आपने उसको अप्लाई किया, आपके डिज़ाइन को अप्लाई किया, उसके ऊपर उसके कट्स डाले, उसके ऊपर उसकी पूरी स्टाइलिंग करी, मैनिक्विंस पे तो एवरीथिंग, आपने स्टाइलिंग करी स्क्रीन के ऊपर ही, जी, जो प्रिंट आपने ये पहना हुआ ये प्रिंट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको उसी के ऊपर स्टाइलिंग कर दूंगा, उसकी स्टाइलिंग करके आपको दिखा दूंगा जी ये बनने के बाद ऐसा लगेगा, ठीक है, हम तमाम अच्छी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और इसमें मैं और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का। वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं और यकीनन पसंद भी आ रहा होगा, आज बात ही ऐसी हो रही है खासकर खवातीन द्वारा देख रही होंगी वो, इसलिए कि अभी हम कुछ रेट्स की भी बात करेंगे, देखते रहिए वीकेंड से सवेरा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं और बातें बहुत मज़ेदार आज हो रही हैं। अर्शा साहब, वही जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैंने कहा था और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसमें स्टिच का उसको बताएंगे किस तरह से क्या प्लान होता है, वो स्मूथली एक बहुत कंप्लेन होती है ना कलर्स की भी कि वो जब आउटफिट गई है कि भाई ठीक है ड्राई क्लीन करवाएं लेकिन कलर्स का इशू हो जाता है अगर वाइट है या उस पर, तो कुछ खास मटेरियल है या कहीं से ऑर्डर पर यूज़ किया जाता है? बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो फैब्रिक की जो थीम है वो, जो मतलब आप अगर आप कोई कलर लगा रहे हैं, हमारा तो सबसे पहले हम कलर लगाने से पहले तो उसकी टेस्टेड होती है हमारी पूरी, क्योंकि मेरा बेसिकली अपना एक्सपीरियंस पीछे टेक्सटाइल से ही है। अच्छा। तो हम जो फैब्रिकेशन है वो 80% हमारी अपनी होती है, 20% जो है हम मार्केट से करते हैं। अच्छा। तो वो कलर जो फास्ट कलर है, वो कलर जो आपके जिसकी वॉश ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, तो हम उसकी कॉम्बिनेशंस को उसके हिसाब से रखते हैं कि ये बाद में वॉश होने के बाद
आपको ये कंप्लेंट आएगी जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, ये कलर इसका ब्रीड कर गया। अच्छा अर्शी कहना बहुत कुछ आ रही होती है लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, वो कहना भी चाह रही है लेकिन सिर्फ मुझे बताना चाह रही है। अर्शी आप बहुत आराम से बोल सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और मैं खासकर ये चाहूँगी जो खवातीन देख रही हैं उन्हें एडवाइस भी करें आप जी, इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करें। ये एक्चुअली डिपेंड करता है हम जिस तरह से आर्टिकल्स तैयार करते हैं, तो सबसे पहले टेस्टेड होते हैं तमाम चीज़ें कि थ्रेड्स का कलर्स वॉश होने के बाद कुछ उसका कलर्स तो नहीं निकल रहा है, ये सब चीज़ें हमारी अपनी खुद की ओन होती हैं, ठीक है ना, हम उसको टेस्ट करते हैं बाकायदा। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक होता है उसको भी हम देखते हैं कि उसका कलर्स बाद में तो निकलेगा, फैब्रिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ओके, कलर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी खुद की हैं। तो एक्चुअली हम सब इन चीज़ों पे फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बाद में इस चीज़ को फिर आगे हम फॉरवर्ड करते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं। रिगार्डिंग बात करने का दिल जा रहा है तो कि सिर्फ कलर्स की बात हो रही है फैशन की, वैसे फिल्म ज्यादा शौक से देखती हैं या ड्रामे टीवी का शौक है? नहीं, मैं ड्रामे भी बहुत शौक से देखती हूँ और फिल्में भी बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन पुरानी, ठीक है ना, पुरानी जो फिल्म थी उनकी बात तो अब मतलब अभी फिलहाल तो नहीं देखी है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, बहुत बेहतरीन। लेकिन फिर जब पुरानी और फिर सीनियर्स की बात हो रही है तो मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहेंगे पीटीवी का जो एक्सपीरियंस रहा और कौन से आर्टिस्ट ऐसे थे जो आज तक होता है ना कि आप जब जाते हैं आपको याद होता है, और कुछ समटाइम्स तो डायलॉग्स का भी होता है कि कोई सीन था वो बड़ा मज़ा आया करने में। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, क्या क्या मतलब उनको याद करें, लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो आपने कहा ना ओल्ड इज गोल्ड, बहुत सारे ऐसे ड्रामे जी, डेफिनेटली ड्रामे में भी जैसे धूप किनारे है वो अनकही है, अनकही है, किनारे है, अफशा है आपका, मतलब ये चीज थी ना बिल्कुल। मैं टीवी के हवाले को छोड़ के मैं जरा फिल्म की तरफ आऊंगा, एक फिल्म के आर्टिस्ट थे हमारे अनीस राजा, ठीक है, ठीक है, अनीस राजा को जो ब्रेक मिला वो टेलीविजन से इतना नहीं मिला, उन्होंने मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ रहा है जंगलूस ड्रामे में जो काजिम साहब का था उसमें उन्होंने काम भी किया था, एम वारसी, जंग आपका शब्बीर जान साहब और ये सारी पूरी टीम थी। हम जब फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदू इंस्पेक्टर लगे, हिंदू लगे, ठीक है, और लगे तो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जमा किया, तो मेरे जहन में उन जो डायरेक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ही बंदा है जिसको मैं कॉल करता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उसको लाइक करेंगे। मैंने अनीस राजा को फ़ोन किया 20 साल के बाद, हालांकि वो मेरी रहाइश जहाँ थी उससे दो घर आगे थे। अच्छा। मैंने कहा कि अनीस साहब ऐसा ऐसा है एक फ़िल्म बन रही है तो काइंडली आप मिल लें। उन्होंने मुझे इग्नोर की बात को, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे एक और दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि यार अनीस से कहें मुझसे आके मिल लें, क्योंकि मुझे उनका घर का पता नहीं है कि कहाँ वो रह रहे हैं, एरिया पता था जौहर में, गुलिस्तान है जौहर में उनकी रहाइश थी। उस आर्टिस्ट से मैंने उसको कॉन्टैक्ट करवाया, वो अनीस राजा मेरे घर पर आए। मैंने कहा अनीस ऐसी सी बात है तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और एक फिल्म बनी थी मंजूर मुराद साहब ऐसे कुछ नाम था उनका, आज का दौर, वो रिलीज नहीं हुई आज तक ना, उसमें उसमें आज का दौर और आज तक रिलीज नहीं हुई, आज अब तो बहुत दौर उसके बाद जा चुके हैं। वो पुरानी फिल्म थी जो बेचारे उनका डायरेक्टर का मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला है तो उनको अल्लाह ताला सेहतिया भी दे। उस फिल्म में मेरी अनीस राजा से मुलाकात हुई, उसके बाद टीवी में एक दो मरतबा मुलाकात हुई जब ये जागरूक चल रहा था उस सिलसिले में, फिर ये इतना बड़ा गैप आ गया, उसके बाद हमारी मुलाकात इस फिल्म के जरिए मेरे घर पे आए। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और ये चीज़ है, कहने क्या ठीक है मेरा भाई, अच्छा उनका एक डायलॉग था मेरा भाई, कहने मेरा भाई मैं आऊँगा, ठीक है। मैं आए बैठे हम लोग चाय वाय पी और मैंने डायरेक्टर के पास पहुँचे, मैं कहा डायरेक्टर साहब खाली साहब अनीस को मैंने बुलाया है आप देख लीजिए, और इस तरह से अनीस हमारे जो ऑफिस था वहाँ पर आए, उन्होंने कहा तलाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने कहा थैंक्स गॉड आप आ गए। खैर उनको मैं सीढ़ी से लाया, मैंने मतलब उनका जेस्टर ऐसा था कि दरवाज़ा खुलता है एक यूं करके बंदा उठता है ना, जैसे एक फिल्मी माहौल होता है, जैसे यूं आके, अच्छा उसकी आदत थी मुंह नीचा झुका के आराम से जाता था, सामने फ्रंट पे देखता था, ऐसे मुंह होगा और इस तरह से देखता था। पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश? नहीं नहीं पहाड़ पे नहीं, उसमें इनकी सारी बहुत थी, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला पता नहीं क्या, उसको आगे बताता हूँ वाकया क्या हुआ। जैसे ही वो एंटर हुआ सामने डायरेक्टर ऐसे आ गए सामने ना, ठीक है, डायरेक्टर के मतलब वो देखते रहेगा उस बंदे को, जो कैरेक्टर का कहा जाता है ना, डायरेक्टर का कमाल यही होता है कि वो आप उस वक्त समझ लें कि किससे आपने कौन सा काम कर रहा है। आप बिलीव करें डायरेक्टर साहब ने सिर्फ ये इशारा किया थम्स अप, कहने आए हाथ मिलाए, मैंने कहा ये अनीस राजा और इस कैरेक्टर के लिए आए, ठीक है, आए बैठ के बात की, बातचीत हुई फला फला, हमने रिकॉर्डिंग कराई। रिकॉर्डिंग कराने के बाद हम लोग शूटिंग पे थे तो हमें ये पता इतला मिली कि अनीस राजा हॉस्पिटलाइज है, हमारी शूटिंग से गए, ठीक है, घर पहुँच गए,
अगले दिन न्यूज़ आ रही है कि जी वो हॉस्पिटलाइज है, क्या हुआ? कि नहीं अनीस का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा छोटा मोटा हुआ होगा, वो हेलमेट पहन के सफ़र करता था, मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा होगा बेचारा। अच्छा। लेकिन पता चला उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उसको ब्रेन हेमरेज कुछ हो गया था। अच्छा। बस वो शॉक था, शूटिंग पैकअप की हम लोगों ने, हम आए सब पूरा स्टाफ पूरा क्र्यू सारा हॉस्पिटल पहुँचा, चार दिन की कश्मकश के बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा। और वो कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट था अल्हम्दुलिल्लाह, हो चुका है, फिल्म में है, आप देखिएगा सीन ना इंशाल्लाह ताला। और वो जो फिल्म में सीन किया है ना, माइंड ब्लोइंग, वो आपको वो याद आ जाएगा, वो एक हिंदू इंस्पेक्टर का कैरेक्टर आएगा, मुझे इसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये वाकया एक तो मेरा है, और दूसरा पीटीवी की बात कर रही है तो हैदर इमाम रिजवी साहब, मैं उनके साथ अटैच नहीं था, बिल्कुल हमारे सीनियर्स में नाम आता है, नाम आता है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से हवाएं सीरियल था, उसमें तलत हुसैन साहब को कुछ फांसी का सीन था, तो कई आप लोगों को अगर याद हो, जब वो कोमल रिजवी क्या विलादत होती है और उनको फांसी दी जाती है, वो सीन मैं नहीं बोल सकता, वो मेरे सामने हुआ था, वो किस तरह से तलत हुसैन साहब को हैंग किया था और किस तरह से पट खोले थे। और अगर हम तलाश कर रहे होते हैं अभी के वो कौन सी चीजें हैं कि सब वो बोलते हैं कि आज ये वाला सीरियल स्टार्ट हुआ, नहीं तो वो दूसरे चैनल से वो स्विच कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो पहले एक चैनल होता था तो ऑप्शंस नहीं थे, क्या कहेंगी आयशा इस बारे में? वैसे तो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, मुझे ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि कैरेक्टर्स जिस तरह वेडिंग का मैंने पूछा, ऐसे फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत कैरेक्टर्स हैं मॉडल्स के जो आपको रात दिन सामना करना पड़ता होगा, फेस करती हैं, वो एक्सपीरियंस पहले बताएं, उसके बाद हम इस सवाल की जाने पाएंगे। देखिए, जो एक सीनियर मॉडल बन जाता है उनके अंदर एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है, वो न्यू लोग भी आए उनको न्यू फोटोग्राफर भी मिल जाए तो वो उनके साथ रिस्पेक्टली बिहेव करती हैं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता, क्योंकि वो एक अपना टाइम पीरियड गुजार के उस स्टेज पे पहुंची होती हैं। और इस बात को मैं मानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा कि जितनी सीनियर मॉडल है वो नए फोटोग्राफर के साथ भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टली बात और काम करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर गई है, बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई है, हर किसी डिज़ाइनर का शो हो रहा है, और क्योंकि आज से और दो चार साल के बाद हर कोई डिज़ाइनर वियर ही पहनेगा। अच्छा, पहले तो ये भी होता था और अभी बीच में हमारी ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है कि मॉडल्स को अब टेंशन नहीं होती इतनी, पहले कलर्स पे ड्रेसेस पर हो रहा होता था कि नहीं इस डिज़ाइनर का है मैंने इसका पहनना है, चार हैं चार मॉडल्स को रैंप पर जाना है तो नहीं मैंने तो ये वाला पहनना है, अब वो चार मॉडल्स ही जब एक आउटफिट मांग रही हैं तो फिर डिज़ाइनर ने क्या करना है। हाँ, ऐसा होता है बैक स्टेज में, मैंने देखा हुआ है, पर अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की भी, इसलिए इतने शोज जो इतने आ रहे हैं वो इतने कामयाब हैं। अभी FPW आ रहा है 25 से, और उसकी भी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, बड़े अच्छे डिज़ाइनर्स के नाम हैं और सब ने बहुत अच्छे थीम वाइज उस पर काम किया है। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, आर्टिस्ट की एक्टर की अगर चॉइसिस के ऊपर आते हैं तो कौन से एक्टर्स, यानी आप पुराना वही दौर ओल्ड इज गोल्ड की बात हो रही है दोनों साइड से, नहीं, तो नहीं, क्या कहेंगी वो या न्यू टैलेंट वो? इसलिए कि मुझसे अगर पर्सनली पूछे जाएगा मैं कहूँगी टैलेंट हमारी है ना, हम पुरानी बात करेंगे ना नई हमारी है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है किसी भी फील्ड में, नहीं, जो सीनियर है वो हमारे उस्ताद हैं, चाहे वो एक्टर हों कोई भी हों, वो नए वाले लोगों को पॉलिश कर रहे हैं। और टैलेंट आपकी बात भी सही है कि नए में भी है और पुराने में भी है, तो इसलिए कुछ सीनियर बहुत अच्छे हैं कुछ यंग बहुत अच्छे हैं। देखें जैसे भूषण अंसारी को देखें यार, अब तक आज के ज़माने में भी वो हिट है। की बात नहीं करी मैं, परफॉर्मेंस को लेकर भी कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है नहीं पहले एक्टर ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी बहुत सारे, अगर नेचर की हम बात करते हैं बिहेवियर्स की तो पहले भी वही सब थे अभी भी वही सब है। सही बात, इन चीज़ों में आप क्या कहेंगी, यानी अभी कुछ है इस तरह का कि एक जिसे कहा जाता है कि यार नहीं वो पहले वाले दौर में जब वो एक्टर होता था वो आइडियल है या अभी? मैंने एक चीज़ देखी कि आइडियलिज्म है वैसे कहीं पहले वालों में, जो हमारे बुजुर्ग एक्टर्स हैं उन लोगों में एक मिलन सारी अलग है, वो अगर एक नए को भी मिलेंगे तो वैसे ही वो उनको प्यार करेंगे सर पे हाथ रखेंगे, ये वाली चीज़ उनकी अब तक जिंदा है। वो अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ हमें, अगर हम वो देख रहे हैं तो हमें भी वो आगे पास करनी चाहिए, यानी आपको टाइम पीरियड कितना भी हो चुका है इंडस्ट्री में आपकी फील्ड में, लेकिन आपके बाद जो आने वाले जूनियर्स हैं उन्हें हमें वही बिहेवियर देना चाहिए ना? बिल्कुल देना चाहिए। तो वो कुछ लग रहा है आजकल है वो कुछ? हाँ, कुछ अपनी यानी अपनी चीज़ें आगे फॉरवर्ड करें, और कुछ कहते नहीं यार ये तो हमारा है हम आगे क्यों दें।
अच्छा, इस चीज़ से आप कितना एग्री करेंगे? और एक्सपीरियंस इससे भी शेयर करने की बात हो रही है ना, पर तो चॉइस का बताइए। यहाँ से भी जवाब आ गया, यहाँ से भी, दोनों तरफ से, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया। कैरेक्टर्स के लिए, ड्रामों की अगर बात करते हैं हम, तो पुराने जो हमारे होते थे या अभी जो चल रहा है, वो इसलिए कि हिट तो हो रहे हैं, इंटरनेशनल ही हो रहे हैं, और दूसरे चैनल से हमारे प्लेस अभी के भी दिखाए जा रहे हैं। हम अकेडमीज की सिर्फ पहले की बात नहीं कर सकते हैं। अगर एक्टिंग में बात करें, कैरेक्टर्स में बात करें, तो पहले की जो एक्टिंग थी और अभी की जो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंसेस तो हैं जी। पहले की जो चीज़ें थी उनमें आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल, आप मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप उसके अंदर जाते थे। पहले की एक्टिंग, अभी भी हम ड्रामा देखते हैं, पहले भी ड्रामे हमारे दिमाग में, जहनों में, अभी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ प्रोफेशनली या कुछ आप कहेंगे आजकल के माहौल को, बहुत सारी चीज़ें दिखानी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से सामने मीडिया पे नहीं आनी चाहिए जो आजकल में आ रही हैं। अगर हम बैकअप बैक में चले जाएँ, अपने पुराने वक्त में चले जाएँ, जब हम बच्चे होते थे, उस वक्त के ड्रामों को सोचें, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। आज हम ड्रामा देखते हुए भी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये बच्चा जो बैठा हुआ है, इसको ये चीज नहीं दिखानी चाहिए। सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। पहले आपको फैमिली के साथ कोई टेंशन नहीं होती थी, रिलैक्स पहले कोई टेंशन, फैमिली टाइम है तो फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगी अर्शी इस बारे में? वो इसलिए कि बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रही हैं, और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हम सफ़र हमारा अभी, हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, तो बहुत सुपरहिट प्ले है और इंटरनेशनली अब तो दूसरे चैनल से दिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम ये बात कंपेयर करें कि हमारे ड्रामे अभी भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ऑसम है, नो डाउट। एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर अभी के प्लेज हम बात करें, तो पहले के तो खैर थे ही बहुत अच्छे, वहाँ के तो एक्टर्स ही बहुत ऑसम थे, पहले के दौर के एक्टिंग बहुत नेचुरल थी, माशाल्लाह अभी मौजूद हैं, वो अभी भी हैं। अगर हम एक्टर्स की बात करें, अभी इन प्लेस में भी मौजूद हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी जो है ड्रामा के हिसाब से हमारे पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता, बहुत पीछे है। क्योंकि वो जब हमारा धूप किनारे और ये सब ड्रामे की बात चल रही थी, तो वो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमें हसीना मोइन आप दे दें, तो हम जो है इंडिया को बहुत फतह कर लेंगे ड्रामे के ऐसे एक्टिंग के तौर पे ना। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, हसीना मोइन के ड्रामों को बहुत अप्रिशिएट किया, और अभी भी इंडिया ड्रामों में बहुत पीछे है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, वो एक्टिंग ही कर रहा होता है। चले आहिस्ता आहिस्ता जाग रही हैं ऐशा, वो इसलिए कि जब मैं कह रही थी कि नए पुराने की क्या बात है, तो उस वक्त वो फिर नहीं हो रहा था कुछ। मैं ये बात मानती हूँ कि पुराना भी एक्टिंग कर रहा है, नया भी एक्टिंग कर रहा है। पुरानी की स्टोरी उस टाइम के ज़माने की थी, आज की स्टोरी आज के ज़माने के टाइम। बहुत ज्यादा दखल है। अभी आपने एक बात कही, इसी को मैं आगे लेके कंटिन्यू करता हूँ, आपकी सवाल इसमें मर्ज कर दूं। आपने कहा स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हसीना मोइन हमें दे दें जी, तो आज का अखबार या कल का अखबार आप पढ़े, तो आपको उसमें एक तहरीर मिलेगी पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल जो प्लेज है ना, उनको रीमेक किया जा रहा है, राइट, ठीक है। और उसमें उन लीजेंड्स को शामिल किया जा रहा है जो एक्ट कर चुके हैं। मैंने जो आज तस्वीरें देखी उसमें हसीना आपा की, मेरे ख्याल से ज़िया साहब की थी, ठीक है, जीनत, मतलब ये तो ये एक्ट्रेस में आ गए ना, हम लीजेंड्स की बात कर रहे हैं, ये तो सब लीजेंड्स हैं जिनको आप ड्रामा कहें उसमें लेके आ रहे हैं। अब आए स्क्रिप्ट की ऊपर बात, बात हो रही है धूप किनारे की, अनकही की, अफशा की, ताबीर की, फलां की। स्क्रिप्ट अच्छा था तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारे अब स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है, हमारे वही चीज है कि वो हजारों में कोई एक आ गया तो आ गया, एक आ गया। क्या उसका रीजन क्या है कि वो कसरत के साथ कि वो हर चैनल के ऊपर, यानी इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो आर्टिस्ट भी इतनी सारी डेट्स हैं, और क्या राइटर पे भी वही एक्टर के नाम प्रेशर है अभी? नहीं, प्रेशर नहीं है अभी। हम बात करते हैं मीडिया की, मीडिया इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम मीडिया में रहकर सोचते हैं कि अपने बच्चों को दिखाएं या नहीं दिखाएं, तो है, ठीक है ना, ये डिफरेंसेस तो ये मैं एग्री करता हूँ ना इस चीज को, बहुत सॉरी टू से, मैं एक बात ये को रीएंकमेंट ये फला चल रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए थे। मुझे याद पड़ता है जब आप पाकिस्तान टेलीविजन की बात होती है, ब्लड शेड, खून निकलते हुआ नहीं दिखाया जा सकता, तो उस पर कंप्लेन हो जाती थी कि ये खून क्यों दिखाया गया, कि नहीं है ब्लड शेड। अच्छा, तो इस पर अगर हम बात करते हैं कि वही फील्ड की ना, कि ये देखने वालों को कंप्लेन है या डिजाइनर्स भी, हमें भी अगर हम ये बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या दखल है, क्या पॉलिसी का, कि किसी डिसीजन पावर किसके पास बेसिकली होना चाहिए राइटर के लिए? मीडिया आज़ाद है, आजाद है, लेकिन अभी हमने बात कर दी ना, मीडिया हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैं ही वही जवाब देने जा रहा हूँ।
मैं अगर अपने हैंड से कोई ऐसी चीज लेके आता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर भी तो कोई नजर होनी चाहिए ना, हाके में वक्त कौन है, हाके में वक्त थी इसका जवाब दे होगा ना, उसने क्यों इतने हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी, दी हुई है सेंसर पॉलिसीज नहीं है हमारे स्ट्रांग। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं सेंसर पॉलिसी क्या है, अब 10 मिनट में आपकी फिल्म डाउनलोड हो जाती है जी, प्राइवेसी नहीं ना। अभी आपकी बात मैं बताता हूँ, आपके डिजाइनर्स है ना माशाल्लाह आप लोग, मैं अभी एक तस्वीर खींचता हूँ और उसकी मैं आपकी कॉपी राइट है नहीं है, मैं ले आता हूँ बिल्कुल। अच्छा जब वो बता रहे थे आप लोग तो वो डिजाइन करने का उस वक्त भी मैं ये समझी थी कॉपी फॉरेन से जो हो जाती है, कॉपी तो फॉरेन हो जाती है जी। आज कल यही की बात कर रही हूँ, बिल्कुल तरह बात आपने की है, बिल्कुल राइट है। आज तो रजिस्टर्ड क्या मतलब है, देखें जो खाड़ी है उसके दूसरे दिन वही सूट आपको 2500 रुपए का मार्केट में उसकी कॉपी मिल रही होती है। कर्ट्स के भी डिजाइनर्स का भी यही तो, जो रजिस्टर्ड है डिजाइनर उनकी चीजें इस तरीके से मार्केट में ओपन आ जाती है, तो इसके लिए कौन फाइट करेगा, हमें और आपको करनी चाहिए, हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम रेजिस्ट कर सकें कि हाँ भाई ये अच्छा, एवरीबॉडी नोज़ कि हमारे डिजाइन से कॉपी की जा रही है, ठीक है ना, फिर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसकी वजह से, पॉलिसी मेकिंग की बात आ गई, डिसीजन पावर की आ गई ना किसने, नहीं मैं आपको बताऊं। पर देखें एक बात है, एक डिजाइनर ने एक सूट बनाया 10,000 रुपए का, हर किसी के बजट नहीं है 10,000 रुपए का, तो वो कॉपी पे जाएगा डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है कि वो 10,000 रुपए का उसने सूट बनाया, उस 10,000 के सूट को बनाने के लिए उसकी मेहनत उसकी क्रिएशंस, अब वो क्रिएशन आप कॉपी कर रहे हो, क्रिएटिविटी जो है सही है। देखें आप देखें खाड़ी को, खाड़ी ने जो 5,000 या 6,000 या 8,000 रुपए से सूट शुरू किया था वो उसने अपने प्राइस नीचे लेकर आया, और आज वो 1,800 रुपए में भी चीजें बेच रहा है ना, 1,800 और 200 मतलब अपनी लॉन्च के अंदर ही निकालता है, 2 पीस ही निकालता है, लेकिन उन लोगों की पहुंच तक वो जाना चाह रहा है जिन लोगों की पहुंच नहीं है, कि वो लोग खाड़ी का नाम तो सुनते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, या गुलामत का नाम तो सुनते हैं गुलामत खरीद नहीं सकते, तो गुलामत ने डिजाइनर से अपने आप को चेंज किया है, अपने ट्रेंड को चेंज किया है, हायर एंड बनाते हैं वो, हायर एंड अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लो कैटेगरी को भी वो देख रहे हैं कि लोगों तक पेनिट्रेट करे। उसकी वजह ये कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो तो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास नहीं, वो अफोर्डेबल नहीं, बिल्कुल तो अच्छा, अगर हम ड्रामों की और फिल्मों की यही जब हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि वो फैमिली का सिस्टम, तो जो हम बात करें कि हमें लेना है स्टेप, में अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का पूछना चाहूँ, आजकल के दौर में किसका ज़्यादा राइट्स होते हैं वो, इसलिए कि पहले तो कहा जाता था ना ये प्रोड्यूसर है इसके राइट्स हैं, अब तो ऐसा लगता है कि वो एक तरफ हो जाता है प्रोड्यूसर, उसके बाद डायरेक्टर ही, उसी ने पूरी कास्टिंग भी करनी है और हर काम। असल में ये म्यूचुअल, अच्छा मैं बहुत माजरत चाहूंगी और इसका डिटेल में आपसे आंसर चाहूंगी, टाइम हो गया है हमारे पास ब्रेक का, वीकेंड से सवेरा देखते रहिए और बहुत मजेदार बातें हो रही है, यकीनन आप भी बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप भी हमें कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं 02134386864 पर, देखते रहिए वीकेंड से सवेरा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड से सवेरा, बहुत मज़ेदार बातें भी हो रही हैं आज, तो एक्टिंग पर भी नई पुरानी क्या डिफरेंसेस हैं, फैशन पे बात हो रही है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दलाल फरज से कुछ एक क्वेश्चन किया गया था, मैं चाहूंगी कि वो डिटेल में कुछ आंसर मिले मुझे। कौन सा वाला था, मैं क्वेश्चन भी भूल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, डिसीजन पावर की हम बात कर रहे थे और उसमें आपने कहा था कि मैं बताऊंगी किस तरह से आजकल कौन सी, जिस तरह इन्होंने अशरफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो फैमिली जब एक कहा जाता था कॉन्फिडेंस के साथ वो प्ले देखा जाता था, लेकिन अभी वो सारी प्रॉब्लम्स यानी इस तरह से नहीं है कि हमने कौन से चैनल पे बच्चों के साथ देखना है नहीं देखना है, इसके बाद कौन सा सीन आ जाएगा, ये डिसीजन पावर यानी पहले प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा होता था या अब प्रोड्यूसर के पास होता है या डायरेक्टर के पास है। देखिए इसमें तो आप डिफरेंट, आप उसको मतलब एक चीज़ को आप 3 जगह डिवाइड करके बात कर रही हैं ना,
प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि जी मिसाल के तौर पे कप यहाँ रखा हुआ है, डायरेक्टर कहता है नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ पे कर लें, उसकी बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में या साइड में जो चीज़ नज़र आ रही है, तो ये दो फैसले अलग अलग हो गए। डायरेक्टर का नाम जा रहा होता है कि जी इस प्रोग्राम को मैंने हाईलाइट करना है, उसको सुपर करके निकाल के इसको भेज देना है ताकि लोगों की अवेयरनेस मेरे पास आए। प्रोड्यूसर कहता है नहीं मेरी प्रोडक्ट है मुझे ऐसा रखना चाहिए, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पहली चीज़। अब डिसीजन पावर कहाँ होता है, डायरेक्टर मैं कहता हूँ मेन डायरेक्टर है क्योंकि वो एग्जीक्यूट करा रहा है। प्रोड्यूसर तो लाइक से पैसा आपको दे रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है कि जी ठीक है आप ये प्रोडक्ट है आप इस प्रोडक्ट को लेके आएँ, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को आपने हाईलाइट करना है, आप मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि इस डिज़ाइन को मैंने बना के आपको दे दिया, अब आप ये बताएं इसको आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज और इस तरह की बातें नहीं आ जाती कि आजकल के दौर में जो हमारे अगर डायरेक्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा, कि पहले सिंसियर थे और वो चाहते कि हमारा जो काम है वो हमें मालूम है किस तरह की तरीके से दिखाना है, प्रोड्यूसर की नहीं सुननी है। कॉम्प्रोमाइज़ की बात क्या है, ये आती है आपके पास एक स्क्रिप्ट आता है, ठीक है, आपने कहा जी मुझे एक जंग का मैदान है और उसमें घोड़े दौड़ रहे हैं और सुबुकतीन बैठा हुआ है जा रहा है, उसने तो पेपर पे स्क्रिप्ट पे लिख दिया जी। जब ये डायरेक्टर के पास आएगी चीज़ तो डायरेक्टर कहेगा भाई कराची में तो 50 भी घोड़े नहीं होंगे और आपने लिख दिया स्क्रिप्ट में ऊपर के हजारों घोड़े हैं उसमें सुबुकतीन बैठ के आ रहे हैं, एक बात घोड़े की भी नहीं आएगी, जो सुबुकतीन या उसके पीछे जितने भी लोग उसके आ रहे हैं महाफिज आ रहे हैं उनका ज़रा बख्तर होगा, उनके प्रॉप्स होंगे, कौन करेगा एग्जीक्यूट, डायरेक्टर। अगर प्रोड्यूसर ने उसको पैसा दिया होगा तो वो कहेगा ठीक है मैं सऊदी अरब से सारे घोड़े मंगा लेता हूँ यहाँ पे, वरना बोलेगा ठीक है एनिमेशन पे फिर तो हम डाल देते हैं एडिटर, वरना पुरानी जितनी फिल्में चल रही हैं उसी को उठाते हैं कॉपी करते हैं, और ये पायरेसी है जी, गलत है। आप एग्जीक्यूट करें तो आप 100% आप अपनी चीज़ एग्जीक्यूट करें ना, तो यहाँ ये फर्क आ जाता है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर आती है। अच्छा प्रॉप्स में तो बहुत अगर कंप्लेंट की बात करती हूँ और ये मैं चाहूँगी भी कि आप इसकी वजाहत करें, क्या ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे हिस्टोरिकल तारीखी प्लेस बहुत मशहूर हैं और अब नहीं ऐसे देखने में मिलते, बहुत कम रुझान हो गया, तो उसमें कहा जाता है कि एक सीनियर ने बहुत डिस्कस भी किया कि प्राइवेट चैनल पे कि जहाँ उन्हें यूज़ तलवार करनी थी उन्होंने कहा चलो अब कोई नहीं है प्रॉप्स इतने नहीं है तो चलो ये चाकू ही कर लो, तो इस तरीके से कि पीटीवी में वो चीज़ें प्रोवाइड होती थी। देखिए आप, मैंने कहा टीपू सुल्तान आप देख लें, बाबर देख लें, ये क्या दौर था पायनियर्स का, कासिम जलाली साहब बिल्कुल नाम है, एक पायनियर है पाकिस्तान टेलीविजन के और हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैं नहीं समझता कि अब वैसा काम हो जाए, फिर वही वाली बात, घोड़े नहीं है हमारे पास, ज़रा बख्तर नहीं है, वो तलवारें नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। अब अगर ऐसी कोई सीरियल या कोई सीरीज़ या कोई प्ले बनाने जाएँ तो हमें ये चीज़ें हमारे पास पहले से ऑलरेडी हम, तो 600 अगर लोग लेके आ रहे तो 600 तलवारें तो हों, 600 कमाने तो हों, 600 ज़रा बख्तर तो हैंड, मतलब ये सारी चीज़ें तो आप एग्जीक्यूट करवाएंगी ना। और बिल्कुल वही चीज़ें कि टीम वर्क की हम बात करते हैं कि पहले राइटर मौजूद होता था, आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे अगर आपके एक्सपीरियंस है कि राइटर ने सिर्फ अगर लिख दिया है अगर देखने के वजह से, क्योंकि मीडिया से इतनी अवेयरनेस सबको मिल चुकी है कि आजकल क्या हो रहा है और पहले क्या होता था, कि अगर राइटर ने चार प्लेस लिख दी हैं और चार शूट्स चल रही हैं एट अ टाइम तो वो तो नहीं मौजूद होगा। नहीं, अभी हमने जो डिस्कशन करी या हमारा मेरा जो सवाल था कि आज हम बच्चों के साथ नहीं देख सकते और कल हम बच्चों के साथ देखते थे, हम खुद बच्चे थे और हमारे माँ बाप हमारे साथ बैठ के अगर वो चीजें देखते थे जी जी। तो टीवी का चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अब सोचना आज क्यों, मतलब इसमें तो डायरेक्टर या राइटर, इसमें तो राइटर का बहुत बड़ा काम होगा लेकिन पहले चैनल चेंज भी तो नहीं हो सकते थे ना, ऑप्शन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, चैनल्स बहुत है ना, एक ही देखते थे, बड़े शौक से देखा जाता है। आज भी देखिए अंदर अगर खराबी है तो मतलब 5% की है ना, हम उसको 70% माशरे के अंदर खराबी दिखा रहे हैं। मैं एक चीज ये कहता हूँ चैनल्स के ऊपर, नाजिया आपकी बात को थोड़ा सा मैं करूँगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविजन वो वाइड चैनल है, अगर आप घर से एंटीने का तार भी या तार भी ले जाके आप कहीं रख दें तो आपके घर में पीटीवी आ जाएगा पहली चीज। आपने अगर केबल आपका बंद हो गया, लाइट बंद हो गई तो चैनल सिर्फ पीटीवी चल रहा है माशाल्लाह। तो ये चीज़ है और पीटीवी को ये क्रेडिट जाता है, और आपको ये पता है कि हर मुल्क का अपना कौमी चैनल होता है, जाहिर सी बात उसको अपनी भी तो से करनी है ना, अगर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत कहाँ होगी और क्या होगा, तो ये चीज़ें काम की जाती है नाजी जी। हाँ लेकिन वो तो पहले तो जिस तरह से ये बात बता रहे हैं ये भी होता था, 9 बजे ठीक है टाइमिंग है बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, वैसे भी ट्रांसमिशन ही बंद हो गई है टीवी, टीवी क्या चलेगा। 5 बजे याद पड़ता है, जब मैंने देखा 5 बजे ठीक उसका इंसिडेंट आता था टेलीविजन का, पाकिस्तान टेलीविजन का, और मेरे ख्याल से 10 बजे वाइंड अप होता था, 9:30 बजे मेरे ख्याल से या 9 बजे आपका ड्रामा आता था खुदा की बस्ती,
उस जमाने की बात है, तो वो डॉक्टर साहब किस जमाने की बात है, कुछ ये की बात है। कुछ अगर मैं और प्रीवियस जाती हूँ तो मैं एक्सपीरियंस भी पूछूंगी। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 76 या 78 की बात कर रहा हूँ। खुदा की बस्ती माशाल्लाह आपको पता होगा कैसे, आपने देखा होगा। जी हाँ, और शुरुआत होती थी बॉक्सर जमीन शाद बात से, जहीन तहरा साहब होती थी माशाल्लाह। अच्छा। नहीं उस रे चलता था, लोग सड़कें सुनसान होती थी उस जमाने में, क्वेटा में होता था तो हमें याद है वो, हम भूल नहीं सकते कि आज भी अगर वो रिपीट होता। आयशा बहुत देर से बहुत कुछ बोलना जा रही हैं, सिर्फ मुस्कुराए जा रही हैं। आयशा क्या कहेंगी इस बारे में, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कॉपी सिस्टम की भी हो रही है, तो क्या ये सिर्फ प्लेस में हमारे वो सारी चीज़ें अट्रैक्शन रीज़न उसका ये कम होती जा रही है, या डिज़ाइन में भी डिज़ाइनर्स भी हमारे साथ हैं? देखें वो उस टाइम पे हमें एक चैनल मिल रहा था और थोड़े से टाइम के लिए एंटरटेनमेंट थी, अब एंटरटेनमेंट हमारे पास 24 घंटे की है तो फर्क तो आएगा। तो 24 घंटे की इसका मकसद है अगर देख रखी हुई है और खाना आपने आपके पेट के हिसाब से खाना है, आप पूरी देख खा जाए। नहीं फिर भी आपके पास अब ऑप्शन है, आप एक टाइम के पाबंद नहीं है कि आपने इतने बजे ही एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी है। वो एक 5 से 10 का टाइम था, अब वो टाइम पे हम लोग बाउंड नहीं करते। एक ड्रामा आता था 8 से 9, 9 के बाद खबरनामा, तो वो सब लोग उस पर अपने आप को मैनेज किया हुआ था लोगों ने, यार 9 बजे हमने खबरें सुननी है, अब आपको न्यूज़ ब्रेकिंग मिलने लग जाती है 5-5 मिनट में, तो चेंज टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अच्छा आयशा ऐसा होता है कभी, हमारे यहाँ तो बहुत है मोस्टली हो चुका है हर जगह, सिर्फ हम शोबिस की बात नहीं करते हैं, कि प्रोफेशनल जेलसी होती है, कभी इस तरह हुआ है कोई फीमेल भी है उसके हाथ में कैमरा है तो आयशा बोल रही है ये क्या है? नहीं होता है बिल्कुल, कोई किसी को आगे बढ़ने देने के लिए इतने इजीली रास्ता नहीं बना के देता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है, फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिनमें शेफ सादत का नाम बहुत अच्छा लूँगी मैं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे उस्तादों में से हैं वो और उन्होंने मुझे मेरे बहुत ख्वाब पूरे कराए हैं। अच्छा। हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिलता है, पर इतना इजीली हर कोई आपको रास्ता नहीं दिखाता कि ये तुम्हारी मंजिल है यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छी बात कही और इसको मैं इसी तरह आगे बढ़ाऊंगी कि इस तरह भी तो है ना कि हमारी हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग, कि नहीं रास्ता आजकल बनाया नहीं जाता बल्कि किसी का भी रास्ता बिल्कुल मिटा दिया जाता है, जबकि अगर हम किसी और के लिए रास्ता बनाते हैं जरिया बनते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए खुद रास्ते बनाता चला जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटिक, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपको खुद ही हेल्प करेगा। बिल्कुल। अच्छा बिजनेस में और अब आजकल तो बहुत ज़्यादा, अब इनसे इनका एक्सपीरियंस शेयर करवा लिया, आप क्या कहेंगे कि क्या किस तरह का कि वो जो भेड़ चाल कहते हैं वो स्टार्ट हो गई है, क्या हो गया इसमें, कुछ आप शनाख्त कर सकते हैं आप कि किस तरह फैशन के, हाँ इन लोगों को सेंस है, प्राइजेस के ऊपर लोग आने लगे हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल, जिस तरह हमारे कॉस्मेटिक्स में मैं अभी और प्रोग्राम्स ब्यूटी पे कर रही थी कि खवातीन का ही हो गया, नहीं ये क्रीम तो अच्छा पहले होता था कि सस्ती मिल जाए, अब ये सोचते हैं नहीं ये सस्ती है तो फिर ये अच्छी नहीं होगी, महंगी होनी चाहिए। बेसिकली देखें खवातीन का जो अपना दिमाग है, उनका अपना एक माइंडसेट है जी, लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस है ना वो ब्रांड कॉन्शियस है। अच्छा अगर आप अगर अभी भी एक गुलामत की लॉन्च हो जाए या सना सफीनास की हो जाए, खाड़ी की हो जाए, तो अभी भी उनका ट्रेंड वहाँ पे जा रहा है, वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से जाके उनकी परचेजिंग भी वैसे ही है, फ़ोन पे बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, सारी चीज़ें ब्रांड कॉन्शियस हैं, जिनके पास पैसा है वो ब्रांड कॉन्शियस है और जिसके पास पैसा नहीं है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, तो वो हर तरह का ट्रेंड आपके माशरे के अंदर चल रहा है, लोगों के अंदर चल रहा है, लोग हर तरह की चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो लोग मुझे मेरा काम अच्छा है वो इसलिए तो पसंद ठीक है। आपको एक चीज़ अच्छी देखी है आउटफिट के लिए भी ये कहूंगी, आपने यूज़ किए और वो उसके बाद मटेरियल खराब हो जाता है सेकंड टाइम नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी जी, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को अवेयर करने के लिए, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी जब तक वो चीज़ को समझेंगे नहीं। मेरा अपना जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस सबसे ज़्यादा है जी। मेरा अपना ब्रांड जो बना वो सबसे ज़्यादा ये था कि जो घर में काम करते थे ये लोग, अच्छा इनका अपना घर में जो एक डिजाइनिंग जो मेरी, लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी एवोल्यूशन की, किस तरह एवोल्यूशन टेक्सटाइल की जानिब की वो नाम एक होता है ना सोचा जाता है कि किस तरह ख्याल आया? मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिकली मेरी सिस्टर इन लॉ वो घरों में जितनी भी डिजाइनिंग होती थी ना घर में वो सारी वही करती थी, अच्छा थोड़ी सी क्रिएटिव भी थी, करते 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 एक जगह बैंक में जॉब करनी, फिर कुछ चीज़ों में डिज़ाइन करना मार्केट के लिए, उनको करके क्रिएशन करके दे देना, ठीक है तो मुझे उसके अंदर नज़र आ रहा था कि ये काम कुछ कर सकती है। अच्छा तो एक बैंक में जॉब कर रही थी तो उसको मैंने वहाँ से हटाया, मैंने तुम यहाँ से हटो एक छोटा सा सेटअप लगाते,
तुम अपना काम खुद से करो। कितने टाइम पहले की बात बता ये है? हमने मेरे घर में 2013 जनवरी अच्छा स्टार्ट ठीक है 2013 जनवरी में स्टार्ट किया था, माशाल्लाह से दूसरा साल खत्म होने वाला है। उससे पहले वो उसका अपना घर पे ही काम था, खुद ही मतलब फैमिली के लिए या फिर कुछ अपने बाइक का मशीन लगाई हुई थी, वो मार्केट का काम को सर्च करती थी, वो करती थी। तो उसके अंदर टैलेंट था और माशाल्लाह से टैलेंट, अल्लाह का शुक्र है कि हमने वर्ल्ड वाइड काम किया जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कनाडा, मतलब हर जगह ही हमारा, कि आप सिर्फ ना हमारी प्रोडक्ट अपनी बल्कि अपने मुल्क की भी एक पहचान बनाते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट सब जगह जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम डिज़ाइन करते हैं, हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, हम लिमिटेड अपने डिज़ाइन करते हैं। अभी भी हमारी जो डिज़ाइन की क्वान्टिटी है वो 300 से ऊपर जा चुकी है 2 साल के अंदर। तो हमने जहाँ पे भी डिज़ाइन लोगों को दिखाए, लोगों को पसंद भी आए, प्राइस रेंज भी पसंद आई अच्छा। है प्राइस रेंज भी पसंद आई है। उसकी बेसिक वजह है हमारी कि हम चीज़ भी अच्छी बनाएं, क्वालिटी भी अच्छी दें, लोगों के अंदर ये हो कि लोग हर चीज़ अफोर्डेबल हो, वो लोग खरीद सकें। बहुत अच्छी बात, यही चाहते हैं ना सबके। अगर मेहनत से इंसान कमा रहा है तो ये नहीं था कि वो मंथली के बस एक ड्रेस ले लिया। हर घर में नहीं होता है कि पूरी फैमिली वर्किंग वुमन को रोजाना का एक ड्रेस चाहिए। बिल्कुल, टी पार्टी पे लोगों को अच्छा। ये बहुत यानी ये वाली बात बहुत अच्छी चल रही है, मैं चाहूंगी भी। लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। वीकेंड से सवेरा देख रहे हैं आप? मैं आपका शो देख रहा था, मेरा ताल्लुक गिलगित नगर से है जी। बहुत शुक्रिया। ये कि पाकिस्तान टेलीविजन पर या पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो एंटरटेनमेंट जी जी मुतालिक हैं, उसमें जो ड्रामे हम देखते हैं और उन ड्रामों में जो कल्चर दिखाया जाता है, जो स्टोरीज दिखाई जाती है, हमारे रियल लाइफ से टच नहीं होती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि जब सकाफत दिखाया भी जाता है तो फिर गिलगित क्योंकि पाकिस्तान का 5वां सूबा है और यहाँ की एक रिच कल्चर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया जाता है। एक ड्रामा जो गालिबन पाकिस्तान टेलीविजन ने बनाया था जंजीर जी, मकबूल हुआ उसको, आई थिंक पूरा ड्रामा गिलगित बल्तिस्तान में शूट हुआ। तो क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान जहाँ इतनी कुदरती जो है हुसन है वहाँ पर, कल्चर वहाँ पर है, वो आप ड्रामों में उस कल्चर को ना दिखाते हैं? चलें ठीक है, ये सवाल भी आपको जवाब यकीनन मिलेगा, लेकिन पहले तो अब जा चुके होंगे यकीनन आप कॉल से, ना मैं हालात भी पूछती इनसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन मैं चाहूँगी जो हम बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग थी, और एक क्वेश्चन भी, जिस तरह ये कल्चर की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मैं करूँगी तलाल साहब से, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पहले फैशन का रुझान इतना आर्टिस्टों में, उसमें ये नहीं था कि डिज़ाइनर वेयर करना है, अब तो बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है। वही बात आ गई कि जैसे जैसे आपके पास चीज़ें अवेलेबिलिटीज आई, आपके पास आपकी बाइंग पावर बढ़ी जी, लोगों ने उस चीज़ों को डेवलप भी किया, उनके ऊपर रिस्पांस मिला। पहले एक गुलाम अली था जो मार्केट में काम करता था, या पहले एक अलकरम था जो एक काम करता था, बहुत कम नाम थे डिज़ाइनर्स के जी। आज तो आप मतलब मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ एक गूगल्स के ऊपर सिर्फ डिज़ाइनर्स खोलें तो मेरे ख्याल में आपको काफी ब्रांड्स का, इसलिए कि आपके पास ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड डिजाइनर्स हैं जो कि डिजाइनर्स ही बैठे हुए हैं, जो डिजाइनर्स पे काम कर रहे हैं, और हर आदमी इस वक्त अपना एक बिजनेस कर ही रहा है, ठीक है ना। तो अब डिजाइनर्स क्या हो गया, अब डिजाइनर्स आपके वो हो गए कि हर आदमी का एक ब्रांड कॉन्शियस, जैसे मैंने आपको बताया जी। कि जी मैं तो कार्डिगन सूट पहनना है, मैंने तो गुलाम। चलिए इस बात से तो हम ये भी समझ लेते हैं ना कि हम बात कर रहे थे पहले एक चैनल होता था वही सब देखते थे, तो उस वक्त वो नहीं था, ट्रेंड चेंज होता जाता है, दौर में तब्दीली आती जाती है, वक्त के साथ साथ जिस तरह चैनल्स की भरमार हो गई, इस तरह डिजाइनर्स की भी, और इसलिए कि खवातीन भी पहले इतना शायद आउटगोइंग इतना सिलसिला नहीं था कि बाहर काम करती थी, हाउसवाइफ ज्यादा हुआ करती थी पहले। क्या जवाब देना चाहेंगे, एक सवाल आया है आपकी जानिब कि उसका क्या रीज़न है, कि हालात की वजह से, वो तो मैंने उनसे पूछा नहीं। अच्छा, पहले तो गिलगित वाले भाई को मैं वालेकुम सलाम कहूँगा। दूसरी बात ये कि एक अच्छी आवाज़ सुनने को मिली बड़ी देर बाद। तीसरी बात ये कि गिलगित से जहाँ से इनको उन्होंने बताया ताल्लुक़ है, उनकी थोड़ी सी मैं नॉलेज में ले आऊँ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसने मेरे ख्याल से हर सूबे की नुमाइंदगी कर डाली है, माजी में भी, और इंशाल्लाह ताला की भी सबकी सबकी कर चुका है। दूसरी बात ये कि अब जो इंशाल्लाह ताला 26 नवंबर को पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह है, ठीक है जी, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली है ना रहे हूँ, उसमें अभी जब तकरीब थी उसमें हमें पता चला था कि एक प्ले जो है ना, शायद मैं भूल रहा हूँ, मैं इतना
बिजी था उस तकरीब में, सानिया सईद किरदार कर रही हैं जो कि शायद गिलगित या कलाम, आई थिंक सो। लेकिन वो बात प्रोजेक्ट की भी कर रहे थे ना कि अब तो इतने चैनल्स हो गए हैं, वो पीटी भी नहीं किया था। देखिए पीटी रिसोर्सेज पहली चीज, दूसरी चीज हालात, सिक्योरिटी ना बिल्कुल, ये उनको भी पता होगा। माशाल्लाह पढ़े लिखे मेरे भाई लग रहे थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और अंदाज़ा हो रहा था कि वो गिलगित में है, लेकिन वैसे बात है वो उर्दू शोबे से उनका ताल्लुक है, उर्दू तबके से। बात आती है हालात के ऊपर। मैं कराची में अगर कैमरा लेके निकलता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे कैमरा निकालने से पहले 10 लोगों को देखना पड़ेगा मेरे करीब करीब कौन है, कौन सा एरिया है, कहाँ कोई भी कराची के कोई भी एरिया ले लें मिसाल के तौर पर। अल्लाह का शुक्र अब थोड़ा बहुत सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ आप जब गिलगित में आ जाती हैं या कलाम आ जाती हैं या दूसरी जगहों पे आ जाती हैं, वो पहाड़ी है, ट्राइबल एरिया है जी। वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ नज़र रखनी पड़ेगी, आपको क्या पता लगा कि वहाँ पे कोई भाई बैठा हुआ है उसके हाथ में अच्छी सी राइफल है, किसी को नहीं पता होगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो। दूसरी चीज़ ये कि इंसान ही कोशिश करता है, पाकिस्तान टेलीविज़न अगर बना चुका मिसाल के तौर पर प्राइवेट बन रहे हैं, अभी जो आप इंशाल्लाह ताला कुछ आने वाले ड्रामे देखेंगे उनमें प्राइवेट लोगों ने काम किया है। आशिर अजीम साहब परसों में पढ़ रहा था अखबार में, धुआं माशाल्लाह लिखा और डायरेक्ट किया उन्होंने, अब वो फिल्म लेके आ रहे हैं जी। अब वो कहाँ है मे बी जो भी उनका सब्जेक्ट होगा लिया है उन्होंने वही लिया होगा, ट्राइबल एरिया लिया होगा, हो सकता है कोयटा लिया होने, हो सकता है गिलगित लिया हो सकता है, कुछ उन्होंने तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन कल अच्छी न्यूज़ ये सुनने को मिली कि आशिर अजीम साहब काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जगहें हमारे पास बहुत हैं, हुसन हमारे पास पाकिस्तान में इतना है, वादियाँ इतनी अच्छी हैं, हाईलाइट करने के लिए वसाइल चाहिए, मरी में तो हमारी है बहुत, वैसे भी प्लेस हमारे ऑनियर हैं जहाँ पे मरी की लोकेशन माशाल्लाह। अब देखिए ना, आपने अभी जिक्र किया था मेरे ख्याल से हमसफर ड्रामे का जी, ठीक है ना। आप हम टीवी को देखें, हम टीवी के बैकग्राउंड में कौन है, पाकिस्तान टेलीविजन की सारी टीम बैठी हुई माशाल्लाह, वही उन्होंने पॉलिसी अपनाई पीटीवी की, नहीं इन पे यहाँ पे ऐसी चीज़ हमने नहीं देनी और उसी को हमने फॉलो करना है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने चैनल किस तरह से तरक्की कर रहा है। उनमें भी यही जो भाई ने कहा कि गिलगित को नहीं प्रमोट किया जा रहा है या ऐसे इलाके जो हमारे हैं किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम होता है, तरीके से जाता है, ये नहीं कि फ़ौरन लिया बनाया ड्रामा लिया उठाया और उसको आपने ऑन एयर कर दिया। तो मेरे ख्याल से मेरे इस सवाल का आपको जवाब आसानी से मिल गया होगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी, इस वक्त जब आशिर अजीम साहब की बात की थी तो वो धुआं ड्रामा हमारे, अगर हम बात करते हैं क्वेटा सेंटर का, उस टाइम पर ऑन एयर हुआ था जब पीटीवी के नंबर वन पर जब चल रहे होते थे कराची सेंटर के। पैसिंग के ऊपर भी करेंगे तो वो भी हमारे ड्रामों का एक बहुत ज्यादा हिस्सा है, जो स्लीवलेस की यूजुअली हमारी, अगर हम दिखा रहे हैं एक नॉर्मल खातून घर में है वो कुकिंग कर रही है, तो हमारी मिडिल क्लास में या कितना हमारी सोसाइटी में वो इस तरह का एक कैरेक्टर मौजूद होता है। आपको बताऊँ, हमारी अपनी डिजाइनिंग है, हमारा अपना स्टूडियो है, हम अपने काम करते हैं, क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको 80% हमारे पास आपको स्लीवलेस, मतलब 5% लोग, देखिए वही खूबसूरती बात में यही आ जाती है ना, आप जिस फील्ड से हैं लेकिन हमें अपने मजहब का भी कल्चर का हर चीज का, वो लोग 5% है, आप उन 5% के लिए अगर आप काम नहीं भी करेंगे ना बिल्कुल, तो आपके 95% लोग यही चीजें लेना चाहते हैं। सपोज अगर हम नहीं भी इस पे वर्क करते, आप जिस तरीके से वेयरिंग करेंगे यही लोग पहनते हैं, लेकिन वही चीज है ना कि हमें पहुंचाना है वो चीज और किस तरीके से डिसीजन पावर्स है, ठीक है, हम जो है कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड हमारे अपने मीडिया के ऊपर भी करता है कि वो कितने परसेंट चीजें वो दिखाना चाहता है और कितने परसेंट जो रियलिटी है वो दिखाए। आजकल तो अगर हम मशरिफ की बात करते हैं, हमारी है वो सारी हमारी रिवायत और सारे इख्तियार कहाँ खो चुके हैं, कहाँ है वो सारी चीजें। देखिए हम आ रही है, रिवाइवल हो रहा है आपके सामने ही फिल्में भी आ रही है, क्या कर देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि हमारे पास सोचने समझने की अब सलाहियत खत्म हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों ने किताबों को छोड़ दिया है, डेफिनेटली हम लोग नेट पे आ गए, मोबाइल पे आ गए, मैसेज बहुत जरूरी है हमारे लिए, उसमें कार्ड डलवाना बहुत जरूरी है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। करेंगे तो हम सिर्फ कोर्स की किताब ही पढ़ लें तो बहुत बड़ा एहसान है। क्या हमारा यानी सिर्फ एक जात की हद तक ये हम खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्यों हम इंतजार कर रहे होते हैं अपनी फील्ड में कि ये स्टेप पॉजिटिव लेगा तो आना है, नहीं अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है मैं करूँगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी, इस तरह से भी तो कुछ होता है ना, ये भी तो किसी ने सोचना है। मैंने आपको देखिए इस पूरी जितनी करोड़ की आबादी उसमें से एक में चले मैं स्टैंड ले लेता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना के हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन जब मैं फिल्म या कोई ड्रामा बनाऊंगा तो मैं एंटरटेनमेंट भी तो डालूंगा ना उसमें, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें कहूंगा कि जी एक मौलाना साहब हैं उनकी बेटी है और बेटी बराबर वाला लड़का है वो जाता है वो
खीर देने जाता है और उससे सलाम दो हो गई और फला हो गया, तो ये एक चीज एक मंजर के लिए तो काफी होगा, लेकिन बंदा जाके सही बात चैनल फौरन कहेगा नाजिया साहिबा का फौरन सच टीवी लगाओ। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा, ब्रेक का टाइम हो गया, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक और वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं फैशन पे भी और रिवाइवल पर भी, फिल्म इंडस्ट्री के भी, और मैं ये समझ रही हूँ कि आज ऐसा लग रहा है कि हम ड्रामों पर कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं। तलाल फरज से जो बात हो रही थी उसे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज जो बहुत खूबसूरत आउटफिट आप देख रहे हैं मैंने वेयर की हुई है, वो भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डिज़ाइनर्स, उन्हीं की क्रिएटिव बहुत अच्छी आउटफिट है, और मैं चाहूँगी कलेक्शन की जानिब क्यों ना बढ़ा जाए जो आज मौजूद है, और वो आप दिखाएँ भी लोगों को कलर्स की, और जो हम बात कर रहे हैं कट्स की, तो चलिए आउटफिट की जाने। बहुत खूबसूरत यहाँ पे तो मुझे कलर्स भी और बहुत अच्छे प्रिंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इस वाले के बारे में मैं जानना चाहूंगी। इसको हमने लिया है ट्रक आर्ट की थीम के ऊपर, ट्रक आर्ट की थीम के ऊपर लिया है, और हमने डिजाइन किया है कि हम अपने ईस्टर्न स्टाइल को, पाकिस्तानी स्टाइल को लेकर आए। आपने देखा होगा कि ट्रक के ऊपर और बसों के ऊपर जो डिजाइन होते हैं, ये उसी को डिजाइन करते हुए ये हमने थीम। अच्छा, अर्शी की आवाज अभी बहुत कम निकल रही है, क्या सुबह नाश्ता नहीं किया अर्शी? नाश्ते के टाइम पे आपको बुला लिया गया है। क्रिएशन पूरी अर्शी की तरफ से, अर्शी की ही डिजाइन की हुई है पूरी थीम है, जो कि उसने थीम डिजाइन करी है और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे कल्चर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं चाहूंगी नाजिया इसको देख के जो है ना दुख्तर फिल्म मुझे याद आ गई, बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है, वही आपने थोड़ा सा इसको करने के लिए बहुत जबरदस्त। चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ याद भी आते जाना चाहिए देख कर डिजाइन। इसमें सबसे ज्यादा अगर अभी मैं सीजन की बात करती हूँ तो उसमें कौन सा है जो अभी सीजन में अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमारी नई क्रिएशन है। ठीक है, ये देख रही हैं, ये कोट स्टाइल है, आप इसके ऊपर खाली एक टी शर्ट पहन लें या इसके ऊपर आप कोई जीन्स पहन लें, उसके ऊपर आप ये कोट पहने किसी भी जगह जाके आप इसको वेयर कर सकती हैं, स्टाइलिश भी है। ठीक है, और कोट स्टाइल के अंदर है, मतलब इसके अंदर आपका पूरा कोट जैसे आप नॉर्मल पहनते हैं उस तरीके से कोट स्टाइल के अंदर किया, और अभी तक ये किसी ने भी डिजाइन नहीं किया। अच्छा, इनका जो स्टाइल है अब वो शूट के जरिए बहुत अच्छा एनहेंस हो सकता है, मॉडल ने ये वेयर करा और अच्छा सा इसका शूट हो और ब्रोशर पॉम्फलेट और कैटलॉग्स नहीं, इसके साथ वैसे भी ऑप्शंस भी हैं इसके साथ कि हम जरूरी नहीं हम टी शर्ट्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, और इसके साथ ये इसकी सबसे बड़ी ये डिफरेंस आप इन दोनों का मैं लेंथ के ऊपर करना चाहूंगी कंपैरिजन कि कट्स का भी ये शॉर्टकट का है, फिर इसके बाद इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये डिजिटल प्रिंट है, इसके अंदर हम डिजाइन करते हैं, तो फ्रंट इसका अलग डिजाइन किया हुआ है, इसकी स्लीव्स अलग डिजाइन की हुई है, इसके अंदर जो बैक है बैक को अलग डिजाइन किया हुआ है। आपको लगता है कि डिजिटल प्रिंटिंग शेमरोज और रेशमी कपड़े पे जितनी लेंस होती है उतनी कॉटन पे होती है? डेफिनेटली, यू सी दिस फैब्रिक इज विस्कोस नॉट अ कॉटन, बट कॉटन हो और विस्कोस हो या लॉन हो, इनहेंस करने के लिए मेरा अपना काम है, मतलब इसकी प्रोड्यूसेबिलिटी भी मुझे कोई डिफरेंट लगा था, लेकिन हम कलर्स की जब बात कर रहे हैं और विंटर्स की, इस ये कुर्ती कहलाएगी आई थिंक, जी हां कुर्ती है और कॉटन पर, जी हां कॉटन पे, प्योर कॉटन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये फैब्रिक पे काम है, ये बेसिकली देखें इसके प्राइस रेंज बनाई जाती है ना, तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। अगर आप इसकी प्राइस रेंज देखेंगी तो ये नॉर्मली हम इसको जो सेल कर रहे हैं ये 14-15 के अंदर सेल कर रहे हैं। अच्छा जो सब वही चीज़ है कि हम कलर्स की जब बात कर रहे हैं विंटर्स में तो बहुत खूबसूरत कलर है, और अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो कॉटन पर है, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं, फैब्रिक कलरफुल यूज किया गया है, कोई खास बेसिकली इसके अंदर हमने एस्टेब्लिशमेंट की है और इतनी करी है कि जो उसके प्राइस को मीट कर सके जी। हमने कैटेगरीज बनाई है, कैटेगराइज किया है इन सब चीज़ों को कि वो लोग जो कि डिजाइनर वेयर पहनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी चीज स्टाइलिंग के साथ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिले। बॉटम भी मैं दिखाना चाहूंगी जो डिफरेंट लग रहा है और कलर्स भी बिल्कुल, तो
जितनी प्राइस इनके बता रहे हैं उसमें बहुत अच्छी चीज ये दे रहे हैं जी बिल्कुल अच्छा। जब हम बात कर रहे हैं जब से खवातीन जा रही होती है रेट पर बैठे मालूम चीजों को हम लेके चलते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके ठीक है ना तमाम चीजों को। अच्छा एम्ब्रॉयडरी की हम बात करते हैं तो ये मुझे लग रहा है इसके बारे में बताएं कौन सी है मशीन की वो इसलिए ये पफ एम्ब्रॉयडरी कहलाती है ठीक है ये पफ एम्ब्रॉयडरी है और इंजीनियर्ड है इंजीनियर एम्ब्रॉयडरी कहलाती है ये बेसिकली हम खुद डिजाइन करते हैं डिजाइन करके हमारे पास अपनी मशीनें लगी हुई है वो वहीं पे उसको डिजाइन करके एम्ब्रॉयडरी। अच्छा स्लीव्स यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट दिख रही है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो एक स्टाइल चला था बटरफ्लाई या वो ये उसी का कट है उसी का कट है लेकिन ये बटरफ्लाई नहीं है ठीक है ये उसके स्टाइल के अंदर एक नया कट हमने निकाला है बिल्कुल। अच्छा तो इसमें कोई खास वो होता है कि जैसे स्लिम लुक पे ज्यादा सूट करेगी या हेल्दी पर नहीं बेसिकली अगर स्लिम लुक के ऊपर भी अगर पहनेंगे तो वो थोड़ा सा हैवी लगता है लेकिन अगर ये कोई बल्की पहनता है ना तो बल्की के ऊपर इतना ज्यादा फील नहीं होता कि वो ज्यादा बल्की है क्योंकि कपड़ा ऑटोमेटिकली डिजाइन इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कलर्स के साथ साथ कट्स के भी जी हां। और बहुत खूबसूरत मैं इस वाले के लिए चाहूंगी कि ये कौन से ओकेजंस पे ज्यादा यूज ऐसी कलेक्शंस की जाती हैं बेसिकली ये ओकेजन हमने जो डिजाइन करी थी जैसे शादी वगैरह के अंदर जो मेहंदी मायो वगैरह जो चलते हैं ये उसके लिए डिजाइन किया था ये पूरा डिजिटल डिजाइन है ठीक है और ये पूरा आपका जो है वो शामोस के ऊपर है। अच्छा ये इसमें इसके साथ ही है या ऊपर से ये ऊपर से कोट है ये ऊपर से कोट दिया हुआ है ये ऊपर से कोट दिया हुआ है नीचे पूरा इसके जी हां जी हां ये इस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है ये पहले आपने शर्ट पहननी है पूरी शर्ट इस तरीके से इसी के साथ डिजाइन हुई हुई है ठीक है ठीक है जी। अच्छा लेकिन उसमें जिस तरह आप बात कर रहे थे ना उस पे प्रिंटिंग की तो यहाँ मुझे कुछ डिफरेंट वही क्रिएटिविटी की बात आ रही है ये वही एम्ब्रॉयडरी है ये हमारी अपनी पफ एम्ब्रॉयडरी है जो मशीन के ऊपर की गई है। इसे मैं चाहूंगी क्लोज करके कुछ और बर्ड्स के बारे में ना बर्ड्स है बिल्कुल कि वही मौसम को के सीजन को हम सोचते हुए एम्ब्रॉयडरी भी अलग लग रही है एंकर और उसी बारे में कोई इस तरह के मोटिव्स हैं बहुत चल रहा है जैसे पीकॉक है पीकॉक जो है बहुत कॉमन अब होता जा रहा है फैशन में इन है। अच्छा वाइट की तरफ मैं आना चाहूंगी और बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अच्छा एज ग्रुप की भी हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन सा एज ग्रुप ज्यादा क्योंकि चिकन के लिए कहा जाता है कि कुछ डिसेंट लुक देता है बेसिकली ये जो ग्रुप आता है ना ये आप इसको 25 प्लस से लेके आप 40 तक इसको इजीली वेयर कर सकते हैं मैच्योर एज में जी हां मैच्योर एज के अंदर ठीक है। लेकिन आजकल तो अगर आप नॉर्मल टीनेज ले लें तो अगर वो डिसेंट किसी पार्टी के अंदर उन्होंने जाना है तो वो भी मतलब ये चीज क्लिक वो ज्यादा कर जाते हैं। अच्छा ये मैं दिखाना चाहूंगी स्पेशली ये जी हां बहुत खूबसूरत वाइट के ऊपर रेड बहुत एनहांस कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। इस ड्रेस की जानिब आएंगे और इसमें अंदर से ये भी मैं चाहूंगी कि इसका ही बताएं फैब्रिक का भी एम्ब्रॉयडरी का वो इसमें कलर्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। ये है कॉटन मॉडल ठीक है कॉटन मॉडल फैब्रिक है ये बेसिकली हमारी अपनी अपनी प्रोडक्ट है ये हम अपना डिजाइन करते हैं और अपने ही कपड़े के ऊपर हम अपना डाइंग कराते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी कराते हैं और फिर ये इसको स्टाइलिंग करके फिर हम ये स्टिचिंग पे लेकर आते हैं ठीक है बहुत खूबसूरत। और मैं चाहूंगी कि कंप्लीट यहां से और ये सिलेब्स भी दिखाए जाएं जी उसके साथ ही बैक भी है जी हाँ बैक प्लेन है बहुत खूबसूरत। ये एक और हमें इसमें तो बहुत अच्छा काम है जी कलर्स के साथ साथ जी हाँ कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है इसमें लेकिन इसमें वही जो मैं हमेशा से ये पूछ रही थी प्रोग्राम में भी कि एडवाइस किसकी ज़्यादा चली है इसमें अर्शी की मदाखलत ज़्यादा है या नहीं है जैसे आज मदाखलत बहुत वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है नहीं, अर्शी, ये नहीं कि पूरा अर्शी बैकअप पे सारा काम करने के लिए जो उसके हैं स्टिचिंग के अंदर और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेट होता है कि जो डिज़ाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही होती हैं और ये बहुत डिसेंट लग रहा है ना इसका अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं सिंपल है और अफोर्डेबल है। एक मैं लास्ट आपका ड्रेसेस बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहूंगी जो दिखाए जा सकते हैं डिजाइंस वो अभी दिखाए जाए जी हां ये कोट स्टाइल के अंदर बनाया है ये ऊपर से कोट अलग से दिया हुआ है। अच्छा ये कट कौन सा कहलाएगा जो ये जो बैक से आ रहा है जी यहां से मैं दिखाना चाहूंगी। अच्छा कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें जी हां जी कि कंट्रास्ट आपने जो इसमें ये वाला जो आ रहा है ना सी ग्रीन ब्लैक और वाइट बहुत जबरदस्त बहुत खूबसूरत है लेकिन वही बात हो रही है सब देख रहे हैं तो वो रेट्स भी जानना चाह रहे हैं कि कुछ इसके बारे में बताएंगे। आप इसको देखें ये टू पीस के अंदर सूट है और ये तकरीबन आपका जा रहा है 4500 रुपीस का। अच्छा फुल इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयडरी है अंदर इनर दिया हुआ ये पूरा कोट दिया हुआ इसके साथ ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत।
और अब वो सारी बातें मैं करना चाहूंगी जो आउटफिट मैंने भी वेयर की हुई है। थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला फॉर्मल डिजाइन था। आ जाइए। अच्छा, जिस तरह हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, आउटफिट इतनी सारी, इतनी अच्छी कलेक्शन देखी भी, लेकिन अगर मैं इस ड्रेस की बात करती हूँ तो फैब्रिक के बारे में और एम्ब्रॉयडरी की क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली इसके अंदर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारे पास ही हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी हमने जो की है वो पफ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ही हमारा काम है सारा। अच्छा। और कुछ हमारा जो काम है उसके ऊपर ये बेल लगी हुई है या ये डिजाइन करी हुई है इन्होंने। कट्स के बारे में कुछ बताएंगी अर्शी की, कौन सा कट कहलाता है? डिफरेंट कट्स होते हैं, ठीक है। एक फ्लेयर अलग, कट्स वो अलग हैं, और लेंथ पे डिपेंड करता है, और शॉर्ट कट की जो कुर्तीज होती हैं वो भी होती हैं, और जो हमारा दामन है वो भी डिफरेंट स्टाइल से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसको डिफरेंट कट्स में लेके आते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कलेक्शन की तरफ मैं आती हूँ और बात करती हूँ, हमने डिज़ाइनिंग की जिस तरह बात की, लेकिन प्रिंट्स की बात हो रही थी, डिजिटल की बात हो रही थी, तो अभी बहुत सारे लोग सिर्फ देख भी रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, ड्रेस भी दिखा दिया कि ये है, नाम भी बता दिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है क्या चीज़ है। एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि रोटरी डिज़ाइंस बहुत सालों से हम लोग पहनते आ रहे हैं, ठीक है। हर कोई वेयर करता है रोटरी डिज़ाइंस, बट अब जो है ट्रेंड जो चला है वो डिजिटल प्रिंट्स की तरफ लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले बहुत कम था, लेकिन अब मोस्टली लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, डिजिटल प्रिंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम ये पहने। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा अफोर्ड जो लोग कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ को वेयर करते हैं। लेकिन तो वही चीज़ें जो मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ सुन के फैशन में है, ट्रेंड में है, अच्छा लग रहा है, लेकिन होता क्या है बेसिकली? डिजिटल प्रिंट्स बेसिकली हमारी जो डिफरेंट थीम्स होती हैं हम उसको लेके डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है ना। ये टोटली आपके क्रिएशन पे डिपेंड करता है और थीम्स पे डिपेंड करता है, और जहाँ जिस मुल्क में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है फैशन का, हम उससे रिलेटेड उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी प्रिंटिंग टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा। ठीक है, रोटरी डिजाइन की प्रिंटिंग वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा। जो सेपरेशन होके वो पूरा डेफिनेटली फैब्रिक का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता होगा, क्योंकि कौन सा फैब्रिक ऐसा है कि आपको जिस पर करनी है। देखिए, बेसिकली ये तो पूरा जो डिजिटल का काम है हमने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर, जी, कराची मार्केट के अंदर, पाकिस्तान मार्केट के अंदर, और अपना प्लांट हमारा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको इतना अफोर्डेबल बनाएं कि हर आदमी की पहुंच अफोर्ड कर सके, हर कोई। इसमें हर चीज़ इंजीनियर्ड है, हर चीज़ इंजीनियर्ड ऐसे है कि आपने स्लीव्स अलग से डिज़ाइन कर लेनी है, आपने बैक अलग से डिज़ाइन कर लेना है, जी, और फ्रंट आपने अलग से डिज़ाइन कर लेना है। तो जब आप पहने तो आपको एक अलग से लुक नजर आए कि आपने जो चीज पहनी हुई है, एक यूनिकनेस है उसके अंदर। बिल्कुल वही सब चाहते हैं हर चीज। स्लीव्स हम अलग डिजाइन करते हैं, बैक अलग डिजाइन होता है, फ्रंट अलग होता है, और एक ट्राउजर है कि सपोज उसकी भी डिजाइनिंग प्रिंट्स अलग होते हैं। तो जब ये मिल के कम्बाइन होके एक स्टिचिंग हम उसको स्टाइलिंग देते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक लगता है। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा भी, और बहुत ज्यादा, और एक्चुअली हम बहुत सारी चीजों के साथ वेयर कर भी सकते हैं। जी, आप बेसिकली इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कोई कलर की कैद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था आयशा कुछ कहना चाह रही थी। आयशा, क्या कुछ फैशन से कैमरा छोड़ के कुछ इरादा हो रहा है या कर चुकी हैं एक्सपेरिमेंट? हाँ बिल्कुल कर चुकी हूँ, मेरी भी स्टडीज की तरफ रह चुकी है। एक्चुअली मेरी नज़र में एक रैम का और एक फैशन का, अगर एक डिज़ाइनर ने अपना कुछ कलेक्शन लॉन्च किया है, वो रैम के लिए अलग होगा और आम पब्लिक के लिए अलग होगा। क्योंकि जो रैम का जो भी कल्चर है, जो रैम के ऊपर मॉडल्स रैम करती हैं, वो आम रूटीन में चाहे जितना भी हमारे हम फैशनेबल हो जाए, वो हर कोई वेयर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। और हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, एक्चुअली बड़े ब्रांड्स, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, जो हमसे अपना काम करवा रहे हैं, जो अपनी थीम्स के हिसाब से बताते हैं, हम उसको डिज़ाइन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी हमारा काफ़ी। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ है ना कि हम इसको, कि हमारी इंडस्ट्री इसमें इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर हम बात करें तो सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक नहीं रह सकती, हमें आगे बहुत सारी बातें करने को मिलती हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का सिलसिला एंड की जानब जा रहा है, मैं चाहूँगी एंड में मैसेजेस की जानब आऊँ। तलात फलक साहब, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? मैसेज तो एज सच क्या, हमको इतने बड़े बुजुर्ग तो हैं नहीं जो मैसेज दे सकें। नहीं, आजकल तो बच्चे ही मैसेज दे रहे होते हैं। हाँ, वो तो SMS के ज़रिए दे रहे होते हैं। मैं मतलब मैंने 30-32 साल टेलीविज़न से वाबस्ता रहा, लेकिन इन 2 सालों में जो है ना, मैंने एक चीज़ बड़ी पाई और बड़ा दुख हुआ। अब मैं मीडिया की बात लेता हूँ, मीडिया में मुनाफ़कत बहुत बढ़ गई है, ये ख़त्म होनी चाहिए।
ठीक है, ऐशे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब कोई भी हैं, पंजाबी सिंधी कुछ भी हैं, पर हम एक पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। हमें ये चीज़ को याद रखना चाहिए और लोगों को अपनी बेटियों को जो वो किसी भी कैरियर में जाना चाहें उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शोर सब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो ये है कि जो भी कि डिजाइनर वेयर पहनी है और सबसे डिजाइनर वेयर नहीं पहने, लोगों को इतना अफोर्डेबल करना चाहिए, लोगों को इतनी अच्छी क्रिएशंस देनी चाहिए, और जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो भी डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर इतनी पेनिट्रेशन होनी चाहिए कि हम 70% जो हमारे लोग हैं ना वो इकोनॉमिकल हैं। तो हमें इकोनॉमिकल और हाई क्लास दोनों के लिए काम करना चाहिए। वो चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है और हम उन लोगों तक पहुँचा सकें जिसको अच्छी लग रही है वो ना पहन सके, तो हम इतना अफोर्डेबल कर देंगे वो लोग भी पहन सकें जिनकी सकत नहीं है। बिल्कुल, ऐसे तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक्चुअली बीइंग अ डिज़ाइनर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी डिज़ाइंस करते हैं, प्रिंट्स बनाते हैं, तो एक्चुअली हमको सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि हम अपने कल्चर को जो है उस चीज़ को प्रमोट करें। ओके, जो हमारे इस्लाम हमारा मज़हब सब कुछ रिलीजन हमारा हमें सब कुछ सिखाता है, इस चीज़ को हम ज़्यादा अपना क्लियर रखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए हेल्प ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए, कोई प्रिंट सब बना रहे हैं तो वो हमारे कल्चर से रिलेटेड भी हो। इस तरह अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर रहे हैं तो वो चीज़ उस चीज़ को प्रमोट करें और हम अपने उस पर एक प्राउड फील करें कि हम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और मैंने आज यही नोट किया है कि हमारी यहाँ गेस्ट ये नहीं कि आप किसी भी फील्ड से हैं पॉजिटिवली, लेकिन सब काम करना चाहते हैं, वही चीज़ें कि स्टैंड लेने की बात आ जाती है और काम कर भी रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी आपसे कि फैशन पे, फिल्म्स पे, ड्रामों पे हमने बात की, लेकिन हर काम कीजिए अपने पाकिस्तान का, अपने रिलीजन का, अपने मज़हब का ख्याल रखिए। आपका कल्चर क्या है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती हैं। ड्रामो की बात हुई, यकीनन उसमें भी कुछ चेंजेस की हमें ज़रूरत है। वो चीज़ें जो पहले होती थी वो अब क्यों नहीं होती हैं? कहा जाता है ना, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो ऐसा नहीं कीजिए, जो आप हैं वो ही रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएँ, ना कि बदतरीन होते चले जाएँ। वो इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मज़हब को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन, उसको इतना अच्छा, इतना डिसेंट दिखाना है कि लोग खुद मजबूर हो जाएं कहने के लिए कि पाकिस्तानी कौम यकीनन बहुत खूबसूरत कौम है, बहुत ज़िंदा दिल है, और वो छोटी छोटी बातों से क्या, बड़ी बड़ी बातों से भी नहीं डरती है। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा, अपनी लाडली प्यारी और चहेती होस्ट नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।